okay so i'm audible everyone if i'm audible please give me a thumbs up write something on the comment section and then we can start the class yeah okay so i'm audible everyone if i'm audible please. hmm चलो आवाज आ रही है सबको हाय सक्षम हाय ओके रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ ओके

बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस फर्स्ट बिट अबाउट अन अकेडमी बिकॉज देखो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और घर पे हो अपने ठीक है सो द बेस्ट पार्ट द बेस्ट वे इज यू कैन प्रिपेयर थ्रू अन अकेडमी चाहे आप कॉलेज में बैठे हो घर पर हो अन अकेडमी के थ्रू प्रिपेरेशन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज यू डोंट हैव टू रश थ्रू की कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है एंड वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी नाउ यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस में हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हों ठीक है वो हम आपको अवेलेबल करा दें बट मेकिंग श्योर कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, इट्स नॉट रियली पॉसिबल ऑल द टाइम सो वट वी हैव डन इज़ कि आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जब भी जिस भी साल में अपियर होने वाले हों उसके अकॉर्डिंगली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक साल दो साल या तीन साल का ठीक है जब आप कोड यूज करेंगे एस पी ओ टी आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आपको और कोई क्वेरी हो कोई डिफिकल्टी हो कैसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट ओके सो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप भी ले सकते हो जिसमें आपको मेंटोरशिप एक्स्ट्रा मिलेगी ठीक है दैट विल बी एडिशनल बेनिफिट फॉर यू बिकॉज उससे होगा क्या उससे होगा ये कि आने वाले टाइम में जब आप कंफ्यूज होगे क्योंकि वो सबके साथ होता है प्रिपरेशन के बीच में यू विल गेट कंफ्यूज कि सर ये पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सर ज्यादा पढ़ लिया कम पढ़ लिया क्या करना है कितना पढ़ना है कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है तो दे विल बी समवन टू गाइड यू और अगर मेरी गाइडेंस में आप काम करना चाहते हो तो अगेन आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो उसको ले सकते हो और एस कोड यूज करके ठीक है सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू चलो अगर आपने अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर sure आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ऐप डाउनलोड करके फिर आप फ्री एक्सेस क्लास को भी पा सकते हैं जो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होती हैं और इफ यू यू लाइक फाइंड इंटरेस्टिंग देन अकॉर्डिंगली यू कैन मूव ऑन टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल चलो अब छह महीने बचे हुए हैं एग्जाम में प्रलिमनरी एग्जाम में सबको पता है और अगर छह महीने बचे हैं तो आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा कि आपका प्री और मेंस जल्दी जल्दी, जल्दी क्वालिफाई हो जाए नाउ दैट दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप कोविड की वजह से या किसी और रीजन से अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे छूट गए हो आपको लग रहा है थोड़ा सा आप लैक कर रहे हो सो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी कि 28 दिसंबर से याद रखें 28 दिसंबर से वापस सिक्स मंथ्स का नया कोर्स शुरू हो रहा है ठीक है दैट विल फोकस स्ट्रिक्टली ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली एंड दैट इज वॉट दैट इज प्रमिनरी एग्जामिनेशन ट्वेंटी और उसके बाद मेन्स की प्रिपरेशन फाइव हंड्रेड आवर्स के क्लासेस होंगे ठीक है पीडीएफ मटेरियल ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सो so, इसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो दैट विल गोइंग टू बी कंडक्टेड विच विल बी कंडक्टेड जिसमें सिक्स मंथ्स एक साल दो साल अकॉर्डिंगली वेदर you गोइंग टू to इन in 2021 2022 और 2023 आप उसके हिसाब से बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है सो so, चलो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी बात अब पहले मैं एक चीज आपको बता दू हमने कल क्या बात की थी उसके हिसाब से हम बात वहां पर आज शुरू करेंगे अब आज हमें बहुत ज्यादा फोकस करके करना है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड द नेशनल अवेकनिंग तो आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है अगर क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही तो अभी दिखेगी ठीक है एक पूरे का पूरा सिस्टम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड बाकी चीजें आपको दिख रही होंगी मेरे पीछे ठीक है ये सारे के सारे कौन से इंटेलेक्चुअल थे कल जब मैं आपको समझा रहा था कल अगर शाम वाली क्लास आपने की होगी सो उसमें आपको समझाया गया था कि किस तरीके से चाहे वो डेक के रॉयट्स राय, हों ठीक है Uh, डक्कन के में जो दंगे हुए थे 1876 1877 में और या फिर 1860 से 62 के बीच में ठीक है जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था दोनों अपनी तरह से कल्मिनेशन की तरफ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंसिया थे जो लोकल मिडिल क्लास के लोग थे जिनको एक तरीके से मकौले से इंप्रेस कहा जाता था जो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर को समझते थे उन्होंने पेजेंट्री का यानी फार्मर्स का साथ दिया था ठीक है so, सो बंगाल टेनेंसी एक्ट क्यों पास हुआ बिकॉज कलकत्ता में रह रहे, रहे जो जमींदारों के फैमिलीज के लड़के थे उनके बच्चे थे जिन्होंने जिन्होंने बात समझी कि जो हमारे यहाँ के हमारे देश के पेजेंट्स के साथ फार्मर्स के साथ चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए ओके इसी तरह के डेकन में भी हुआ वहाँ पे पूना में रह रहे जो जमींदार थे जो एफ्लुएंट क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया अच्छा अब ये लोग एफ्लुएंट कैसे बने ये पुराने एफ्लुएंट लोग थे जो कि या तो पेशवा के टाइम से और या तो बंगाल में सेवनटीन सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहे थे अब यही जो लोग थे इन्होंने और भी चीजें की देखो कांग्रेस बनाना कांग्रेस का बनना 1885 में हुआ लेकिन उससे पहले इसी तरीके के और भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इकोनॉमिक मूवमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे डेकन के राइट्स हो कल के आपको डेकन के राइट्स में आपको बताया गया था कि एक्चुअल रीजन क्या था मनी लेंडर्स पैसे ले रहे थे टेनेंट से ज्यादा ठीक है तो इट वॉज ए इकोनॉमिक इशू सिमिलरली अगर आप देखोगे इंडिगो प्लांटेशन में भी एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ इकोनॉमिक इशू कई जगह पे कहीं सोशल इशूज भी थे ठीक है सोशल इशूज भी थे कल्चरल इशूज भी थे सो so, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पे पहले हम बात करेंगे उसके बाद हम पॉलिटिकल इश्यूज पे जा पाएंगे क्योंकि यही लीडरशिप जो इकोनॉमिक इशूज़ में फार्मर्स को हेल्प करने गई उन्होंने बाद में फिर हाथ में अपने सोशलो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किया सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी में क्या कमियां थी उसको एनालाइज किया और उसके बाद रिफॉर्म करना शुरू किया ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी यहां पे कंफ्यूज होंगे कि सर आ, या बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे मूवमेंट थे कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि ओपन जो की डिफिकल्टी पैदा कर रही थी इंडिया में सोशो और रिलीजियस लेवल पर क्या डिफिकल्टीज आ रही थी तो उसके बारे में मैं और बात कर लेते हैं देखो आ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अब या जस्ट गिव मीमेंट जस्ट गिव मी अंट एवरी वन ओके हां आपकी स्क्रीन पर आप दिख रहे होगा मेरे ख्याल से मेरे पीछे और वहां पर क्या लिखा हुआ है सोशियो रिफॉर्मस अंडर ब्रिटिश रूल तो आप एक बार पूरी की पूरी लिस्टिंग देख लीजिए और आपको समझ आएगा इंडिया में कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो कि पहले से हो रही थी जिसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ठीक है इट वॉज ओके उसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था आई थिंक हाँ ठीक अब वो क्या था तो अब देखो 1795, 1795 से बात शुरू करेंगे हम 1795 से बात शुरू करेंगे और लाइन से देखें अगर नोट करना चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं ठीक है थीके? 1795 एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड बंगाल रेगुलेशन बंगाल में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया 1795 में क्यों क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड के बहुत सारे केसेस आ रहे थे ठीक है जो भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं ठीक है थीके? बहुत लोग चाहते ही नहीं है कि उनके यहाँ फीमेल पैदा हो ये इंडियन और चाइनीज़ कल्चर की खुद के इश्यूज है इसमें आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते सो so, इसको 1795 में उन्होंने एक लॉ बना के टर्मिनेट कर दिया 1802 में इसी तरीके से लॉर्ड ने वापस से एबोलिशन किया इन्फेंटिसाइड को इस बार पूरे इंडिया के लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की इंडिया लेवल मतलब 1802 में वो एरिया जो कि बंगाल जो कि गवर्नर जनरल के अंदर आते थे 1811 में बंगाल में स्लेवरी को खत्म करने की बात हुई ठीक है सो रेगुलेशन टेन ऑफ बंगाल गवर्नमेंट पास किया गया जिससे बंगाल में स्लेवरी खत्म कर दी गई याद करिए कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से 1843 में ठीक है यहां मैं साइड में लिख दे रहा हूं अगर आप चाहते हैं तो साथ साथ छोड़े नोट्स लेते रहें ये पॉइंटर्स के ठीक है 1843 में पूरे इंडिया में अबॉलिश की गई थी स्लेवरी लेकिन बंगाल में स्लेवरी कब अबॉलिश की गई थी तो दैट है ओनली ठीक है तो इसका मतलब अभी तक आपको क्या चीजें पता चल गई भाई फीमेल इन्फेंटिसाइड अपनी हमारी यहाँ की इंडियन प्रॉब्लम थी ठीक है स्लेवरी इंडिया की अपनी प्रॉब्लम थी इसी तरीके से ना एटीन में सती प्रथा को खत्म किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक में रेगुलेशन नंबर सेवनटीन पास किया विद बिकॉज ऑफ अंडर प्रेशर ऑफ जैसा कहा जाता है राजा राममोहन रॉय के इनिशिएटिव के कारण ठीक है so, सो एटीन सती प्रथा तो अभी तक आपको कितनी चीजें मिल गई तीन चीजें सती प्रथा फीमेल इन्फेंटिसाइड और स्लेवरी 1837, 1831 से 37 के बीच में, Bentick, Now, जो आपने कुछ नहीं तो आपने मूवी तो देखी होगी ना थग ऑफ हिंदुस्तान ठीक है थग ऑफ हिंदुस्तान मूवी देखी होगी हाई जॉर्ज गुड इवनिंग हाई स्टीव देखो अब थग ऑफ हिंदुस्तान अगर आपने तो मूवी देखी होगी तो आपको पता है कि वो किस लोगों पे बनी है वो बनी है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनको कहते हैं ठग्स थे और ठग लोगों का काम क्या होता है वो आपको रास्ते में से पकड़ के लूट लेंगे और भाग जाएंगे ये होते थे ठग ठीक है अभी जो ठगी की डेफिनेशन है वो अलग है अभी अगर सम अगर कोई आपका बेनिफिट ले ले और कोई आपको कोई चीज महंगी बेच दे ऐसी कोई चीज कर दे तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ ठग लेकिन बैक देन ठग मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आते थे और रास्ते में ट्रेडर्स को लूट लेते थे और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी जो मैप में अभी आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरियाज देखते हैं इन एरियाज में बहुत ज़्यादा होती थी ये बंगाल के बगल में पड़ते थे सो विलियम बेंटिक में एटीन थर्टी वन से थर्ट पहले एटीन ट्वेंटी टू एटीन ट्वेंटी थ्री के आसपास ठीक है एटीन थर्टीन से एटीन एटीन के बीच में पहले पंडालीज जो थे वो लोगों को लूट रहे थे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया बिहार बंगाल बॉर्डर पर उसी के कारण आपको पता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुई थी उसके बाद भी जब चीज़ें खत्म नहीं हुई तो विलियम बेंटिक ने एटीन से थर्टीन के बीच में एबोलिशन ऑफ ठगी करके एक लॉ पास किया जिसका काम दिया उन्होंने हाथ में किसके विलियम स्लीमन के निलियम स्लीमन इज नॉट अ वेरी सीनियर ऑफिसर बट ही वॉज अ आर्मी कमांडर और इनके हाथ में पावर दी गई कि ये ठग्स को जो ये पूरे ट्राइब्समैन हैं जो ठगी करते हैं जो लोगों को ट्रेडर्स को रास्ते में लूट लेते हैं उनको पकड़ के ले आए सो विलियम स्लीमन का नाम आपको पता होना चाहिए अलग से ठीक है ये अभी तक पूछा नहीं गया है बट ऐसी चीज़ें पूछ दी जाती हैं ठीक है विलियम स्लीमन एंड एबॉलिशन ऑफ ठगी एक्ट ऑफ एटीन इसी के थ्रू विलियम स्लीमन ने लास्ट में फोर्टीन ठग्स को ठीक है चौदह सौ लोग थे ये इंडियन लोग थे जो ठगों का काम कर रहे थे इनको कैपिटल पनिशमेंट दिलाई थी या फिर खुद ही मार दिया था ओके स्टीव इज लाइक जैसे ही उसको पता चला कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक फ्लॉप मूवी है उन्होंने ये देखने का प्लान ड्रॉप कर दिया एक्चुअली थग ऑफ हिंदुस्तान मत देखना मैंने अपनी जिंदगी के तीन घंटे खराब किए हैं उसको देख के डोंट वॉच दैट मूवी रीड अबाउट थग्स अच्छी स्टोरीज होती हैं ठीक है ठीके?

अगर आप 2013 से ले 2016 तक के पेपर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ट्वेंटी सेंचुरी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई सूरत में क्या हुआ 1911 में क्या हुआ 1915 में क्या हुआ 1919 में राउलेट एक्ट में क्या हुआ एवरीथिंग दे विलस्ट लेकिन 2017 से उन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी को साइडलाइन कर दिया नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अबाउट नाइनटीन सेंचुरी सो नाइनटीन सेंचुरी ना बहुत ज्यादा मिस आउट है जब भी हम यूपीएससी के लिए सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम नाइनटीन सेंचुरी के एक्ट इनैक्टमेंट्स को उतना ध्यान नहीं देते हम वही खेलते रहते हैं कि मॉडल मिंटो बता दो चेम्सफोर्ड बता दो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता दो उसी में हम बिजी रह जाते हैं सो so, इसीलिए जो इस समय के एक्ट हैं रेगुलेशन है 1840s 1850s ये जरूरी हैं तो स्लेवरी इंडिया में जब खत्म हुई तो इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड एलन ठीक है ये पता होना चाहिए चलो अब 1844 से 48 के बीच में हार्ड सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस अब दिस वॉज ए लाइक like, एक और बड़ा प्रॉब्लम था हिंदुइजम में आपको पता है कल्ट वर्शिप होती है कल्ट वर्शिप में ह्यूमन सेक्रीफाइस वॉज ऑलवेज अ पार्ट ठीक है अब अलाउड नहीं है लेकिन अभी भी आपको अगर ऐसा नहीं है अभी भी महाराष्ट्र में ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर 2013 में वापस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा था ह्यूमन सेक्रीफाइस खत्म करने के लिए अब इसे समझें कि अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए 2013 में एक्ट पास हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन सेक्रीफाइस भी हुई होगी ओके सो पीपल आर स्टिल यूजिंग डूइंग दैट प्रैक्टिस ठीक है जो एक कल्ट की तरह बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था आपको पता है एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में एंड दीज थिंग्स यूज टू हैपन अलॉट सो आप देख रहे हो कि इंडियन सोसाइटी में भी डिफिकल्टीज हैं चाहे वुमेन इन्फेंटिसाइड वाला पूरा इशू है ठीक है उसके बाद फिर सती प्रथा का इशू है स्लेवरी का इशू है उसके बाद फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस का इशू है विडो रिमैरिज का इशू है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने पास करके दिया कि भाई विडो रीमैरिज शुड बी अलाउड किसके एफर्ट्स थे यहां ईश्वर ईश्वरचंद विद्यासागर अभी हम डिटेल में विद्यासागर के बारे में ही पढ़ेंगे उनके क्या मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेंट थे क्योंकि तो अभी बंगाल इलेक्शन के टाइम पे भी विद्यासागर का नाम बार बार आता है और इसलिए थोड़े से वो इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि न्यूज में रहेंगे आने वाले चार पांच महीने विद्यासागर विल बी इन न्यूज तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहां हो जाती है ठीक है कर दी गई थीडो रिज बाई नेक्ट ये, थी. ये नया ने पास किया गया 1891, ये इस बार क्वेश्चन आया था आई एग्जाम so, में, uh, में ही एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वाज इंक्रीज टू इयर्स बाय एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ बहराम जी मालाबारी ठीक है गर्ल ऑफ कंसेंट एक्ट ट्वेल्व ईयर क्यों किया गया था इसको भी मैं आपको समझा देता हूं अभी देखो निर्भया केस के बारे में आपने सुना है सबने सुना है हां ना मैं बताएं कुछ निर्भया केस के बारे में सुना है बताएं भाई निर्भया केस के बारे में सुना है आप लोगों ने ओके आंसर करें हाँ निर्भया केस के बारे में सुना है दैट वॉज द इन फेमस ट्वेंटी ट्वेल्व रेप एंड मर्डर केस इन अवे इन डेली सो अब निर्भया केस में आपको पता है कि पांच जो मेन uh, लोग थे जिन्होंने रेप किया था उसमें से एक इंसान देर वॉज वन गाय हु वाज़ बिलो द एज ऑफ एटीन नाउ दैट गाय ऑफ द एज ऑफ सेवनटीन तो एज को क्या किया गया सिक्सटीन कर दिया गया कि अब सोलह साल अब उसके बाद जो विशाखा गाइडलाइंस और बाकी जब चेंजेस लाए गए रेप के लिए अमेंडमेंट किए गए तो उसमें लॉ क्या चेंज कर दिया गया आईपीसी में कि हीनियस क्राइम के केसेज में अगर कोई सोलह साल से बड़ा होगा तो उसके ऊपर उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो अडल्ट है तो क्या हुआ आपको एक स्पेसिफिक केस मिला जो सत्रह का था और इसलिए आपने एज घटा के सोलह कर दी कुछ ऐसा ही हुआ था एटीन नाइनटी वन में भी एक स्पेसिफिक केस था जिसमें एक बच्ची थी जिसकी शादी हो गई थी वो उसकी उम्र थी 11 साल उसकी जिससे शादी हुई थी ही इन थर्टीज और वाइल कंज्यूमिटिंग द मैरिज द किड डाइड वो बच्ची की डेथ हो गई ठीक है सो क्योंकि वो 11 साल की थी इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया एज बढ़ा के 12 साल कर दी कि भाई अच्छा 11 साल पे बच्ची मर गई तो 12 साल कर दो ठीक है सो पहली बार ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इंडियंस के लिए एज डिफाइन कब की गई शादी की 1891 में व्हेन द एज वाज डिफाइंड 12 इयर्स बाय द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये सारी चीजें क्यों हो पाई बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ अ पासी सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं बहराम जी मालाबारी बहराम जी मालाबारी फाइन अब आगे देखेंगे जस्ट गिव्यू मोमेंट अब इन 1929 में इसी तरह से देखो क्या हुआ 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ शारदा एक्ट क्यों पास हुआ द एज ऑफ मैरिज वॉज इंक्रीज टू एटीन ईयर्स इन केस ऑफ बॉयज एंड फोर्टीन इन केस ऑफ गर्ल्स बाद में इसको बढ़ाकर नाइनटीन सेवेंटीज आते आते वुमेन के लिए अट्ठारह की गई और मेन के लिए ट्वेंटी वन कर दी गई ठीक है 1931 में चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया बाय इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट और 1937 आते आते राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो गिवन टू वुमेन सो so, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रिटिशर्स ने कर दी लेकिन अब इन सारी चीज़ों को अगर आप लाइन से देखेंगे तो आपको एक बहुत नॉर्मल चीज देगी कि अच्छा ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ब्रिटिशर्स की दी हुई नहीं थी दैट्स अ रियलिटी दैट दीज आर सोशल टैबूज जो इंडिया की खुद की प्रॉब्लम्स थी हमारे कल्चर में ये डिफिकल्टी थी दैट वी नेवर गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन ठीक है इन्फेंट मैरिज चाइल्ड मैरिज हो रही थी चाइल्ड मैरिज अभी भी होती है ठीक है एटीन का मैरिज एक्ट उसके पहले तो डेट को, कोई एज ही डिफाइंड नहीं थी चाहे उसके पहले स्लेवरी हो ह्यूमन सेक्रीफाइस हो ठीक है सती प्रथा हो विडो रिमेरिज को मना करना हो ये सारी चीज़ें थी जो इंडिया में चल रही थी और ये हमारे खुद के डिफ़िकल्टीज थी जो हमने हमारी सोसाइटी में हमारे खुद के टैबूज हमारी खुद की प्रॉब्लम्स थी इसमें ब्रिटिशर्स का कुछ करना नहीं था तो जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स को अपोज नहीं किया ब्रिटिशर्स को अपोज करने से पहले उन्होंने चीजों को अपोज करना शुरू किया एक तरीके से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बिफोर दे दे वेंट ऑन टू टू क्वेश्चन ट्राइड बेस्ट टू रिजोल्व द इशूज वी हैड इन आर होम ठीक है जो घर की डिफिकल्टीज है पहले उनको सॉल्व कर लो उसके बाद बाहर वाले से पूछेंगे ठीक है सो दैट इज समथिंग विच हैपन अब देखो यहां पे हमें बात करनी है कि यहां पहले ये देख लें ब्रिटिश मेरे पीछे लिखा हुआ है आपको स्लाइड्स अपलोड मिल जाएंगे इंट्रोस्पेक्शन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंडिजीनियस कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन क्या कह रहे हैं यहां पर यहां पर कहा यह जा रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने बड़ी इजीली ओवर द पीरियड इंडियन पूरे के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया अपनी गवर्नमेंट बना ली इससे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होते हैं अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन ठीक है क्या आपका सिस्टम इतना कमजोर था आखिर वो आ कैसे गए और वो आ गए तो इसमें गलती आपके लोगों की होगी क्योंकि आपका सिस्टम कमजोर था आपका सिस्टम क्यों कमजोर था क्योंकि आपके यहाँ सोशल लेवल पे कोई डिफिकल्टीज थी सेप्ट दिस थिंग की कोई तो कमी रही होगी ना तभी तो वो जीत पाए आपसे सो यू नीड टू एनालाइज इड और ये वो काम है जो पहले जो ये सोशल रिफॉर्मस थे उन्होंने करना शुरू किया दे स्टार्ट देरस्टुड वेरी द बेसिक डिफिकल्टी इज एट सोशल एंड रिलीजियस लाइफ में इंडियंस को रिफॉर्म्स की जरूरत है ठीक है चाहे आप मैक्स म्यूलर को पढ़ें जब हम एंशियट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर अभी भी आप अपनी ओल्ड एनसीआर टी लें और उसके पहले चैप्टर को खोलें तो उसमें आपको पता चलेगा मैक्स म्यूलर जो एक खुद एक जर्मन थे और इंडिया में इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ऑल दो वो इंडिया कभी आए नहीं उन्होंने अपनी बुक में बहुत सिंपल सी बात लिखी उन्होंने इंडियंस को क्रिटिसाइज किया है भर के उन्होंने क्या कहा है कि इंडियंस जो है वो दूसरी दुनिया की बातों में लगे रहते हैं उनको अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता तो ये क्या है ये एक तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ सोशल बेस को बेस को खराब करती हैं एंड दीज थिंग्स नीडेड टू बी रिजॉल्व बिफोर हैंड बिफोर आप पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें पहले आप कल्चरल और सोशल लेवल पे तो इक्वालिटी ले आइए उसके बाद फिर आप बाकी चीजों पे बात कर सकते हैं ठीक है मोमेंट एवरीवन अगर आपकी कोई लास्ट क्लास से कोई डिफिकल्टी हो कोई क्वेरी हो तो यू कैन कीप ऑन आस्किंग इन बिटवीन ओके एंड या सो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि यही बोल रहे थे इस समय के जो स्कॉलर और इसीलिए ये जो नाइनटीन सेंचुरी है लेटर 18 सेंचुरी मतलब 1780 के बाद और 1860 के पहले का जो पीरियड है उसको कहते हैं इंडियन रेनेसांस पीरियड पीरियड ऑफ इंडियन रेनेसांस ओके इंडियन एनलाइटमेंट कह लीजिए इंडियन रेनेसांस कह लीजिए या तो एनलाइटमेंट कह लीजिए या तो रेनेसांस कह लीजिए जो चीज एक तरीके से यूरोप में फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी में हुई थी वो चीज इंडिया में 1780 से लोगों के बीच में एक रैशनल होना शुरू हुई स्पिरिचुअल पावर की बात नहीं होगी रैशनल थिंकिंग की बात होगी वेन द इंडियन मिडिल क्लास काइंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल दीज सेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल ब्रॉट एंड वेरी आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट एंड रेनेस इंडिया में काम करेंगे ठीक so है अच्छा अब थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लिया आपकी कंट्री को तो थोड़ा सा अच्छा भी कह लेते हैं ठीक है नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे तो चलो ये मैप आपके सामने दिख रहा होगा मेरे पीछे मेरे पीछे एक मैप दिख रहा होगा आपको वो मैप ध्यान से अगर देखें तो वो मैप किसका है वो मैप है साउथ अमेरिका का अब अगर आप वैसे आपको पढ़ना नहीं है अगर आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक उठा के देखेंगे ठीक है वो आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ना भी नहीं है तो आप उसमें माया सिविलाइजेशन के बारे में और अफ्रीका में बहुत सारी सिविलाइजेशन है उनके बारे में देख सकते हैं लिखा हुआ है चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है मतलब नहीं पढ़ना है उसको बेसिक चीज ठीक है बट दोस्त आद अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ अमेरिका में भी उनकी खुद की सिविलाइजेशन थी बट स्टिल वॉट हैपन वॉट हैपनड इज़ कि अगर आप साउथ अमेरिका में अभी आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ जी ब्राज़ील में ठीक है ब्राज़ील में सब लोग पॉर्तुगीज़ बोलते हैं द लैंग्वेज इज लिंग फ्रेंका इज पॉर्तुगीज़ बाकी जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न साइड में वहाँ पे सब लोग स्पेनिश बोलते हैं ठीक है एक दो कंट्रीज हैं वहाँ पे फ्रेंच और डच और इंग्लिश भी बोली जाती है ठीक है इनकी लोकल लैंग्वेजेस का क्या हुआ जैसे अगर आप क्यूबा चले जाएं अभी ठीक है तो क्यूबा में लिंगुआ फ्रेंका क्या है एनी वन वुड लाइक टू आंसर क्यूबा में लिंगुआ फ्रेंका क्या है लोकल मेन डायलेक्ट मेन लैंग्वेज क्या है जिसमें बात की जाती है क्यूबा में एनी वन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन है क्यूबा में लिंगुआ फ्रैंका क्या है एनी कौन सी लैंग्वेज में लोग बात करते हैं क्यूबा में एनी वन एनी आइडिया जॉर्ज ऑस्टन डेयर डेवल नो आइडिया रीवन क्यूबा में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं स्पेनिश ओके स्पेनिश ठीक है सो so, स्पेनिश क्यों यूज करते हैं क्यूबा में स्पैन स्पेन का क्या मतलब है तो हुआ क्या देखो हमारी कल्चर्स में इतनी डिफिकल्टीज थी तो हमारी कल्चर में कुछ अच्छाई भी थी अच्छाई ये थी कि हमने अपना कल्चर सस्टेन कर लिया जिस तरीके से ब्राज़ील में पोर्तुगीज इम्पैक्ट हुआ जिस तरीके से बाकी वेस्ट जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे स्पेनिश का इम्पैक्ट हुआ इंग्लिश का इम्पैक्ट उस तरीके का इंडिया में नहीं हुआ ठीक है इंग्लिश का इम्पैक्ट उस तरीके से इंडिया में नहीं हुआ ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और सम ऑफ दम कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश बट जो इम्पैक्ट है ओवरऑल कल्चर पे इस तरीके का नहीं हुआ कि एवरी अदर पर्सन स्पीकिंग इन इंग्लिश और कल्चरल कल्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ कल्चर जब चेंज नहीं हुआ लैंग्वेज जब चेंज नहीं हुई तो रिलीजन जो है वो चेंज नहीं हुआ ठीक है क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से साउथ अमेरिका में चली गई उस तरीके से कभी साउथ एशिया में क्रिश्चैनिटी नहीं आ पाई सो ऑन द वन हैंड वाई यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज योर सोशल बिहेवियर ऑफ द सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी कि भाई हमारे यहां बहुत सारे टेबूज बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जो मैंने आपको भी लाइन से बताई लेकिन आपके यहां कुछ चीजें अच्छी भी थी वो क्या अच्छी थी वो ये था कि आपका जो कल्चर है उसके रूट्स इतने अंदर तक थे कि ऑल दो वी ट्राइड आर बेस्ट जो भी वेस्टर्न सोसाइटी में अच्छा था वी टू इट बट वट एवर वी थाट कि हमारा हमारे कल्चर में जरूरी है हमें वो पसंद है हमने वो अपने पास ही रखा हमने पूरी तरीके से हम कन्वर्ट नहीं हुए ठीक है उस सोसाइटी में ठीक है एंड दैट्स वाई यू इवन देखो अगर अभी भी आज आज क्रिसमस है ठीक है मैरी क्रिसमस एवरी वन अगर आप क्रिसमस के दिन भी देखोगे अगर आप uh, केरला में चले जाओ जिस तरीके से वहां पे क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ठीक है सो आप देखोगे कि वो एक एक अलग सिस्टम डेवलप हो गया ठीक है यूपी में बात जाना यूपी में अगर लखनऊ वखनऊ के चर्च में चले जाओगे वहां तो लोग कैंडल की जगह अगरबत्ती जला देते हैं ठीक है और कई बार क्रिसमस uh, कैरोल भी भजन की तरह गा देते हैं बट दैट्स इम्पैक्ट ऑफ कल्चर बट आई एम जस्ट से कि कल्चर में यहां रहने वाले जो लोग थे उनमें जो अच्छा था वेस्टर्न सोसाइटी से वो ले लिया एंड जो चीजें अच्छी नहीं थी उसके लिए हमने अपनी सोसाइटी को वापस से रेफर कर लिया तो देर आर सर्टन गुड थिंग्स ऑल्सो ऑफ आर कल्चर देर आर सर्टन डिफिकल्टीज अब जो ये डिफिकल्टीज है उनको रिजॉल्व कौन लोग करेंगे द सोशल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ नाइनटीन सेंचुरी सो अब एक एक करके इन सोशल इंटेलेक्चुअल्स को हम देख लेते हैं फाइन चलो सो पहले देखो रीजन समझेंगे रीजन्स क्यों लाने थे इन सोसाइटी में इंडियंस को पता कैसे चला कि भाई आपके कल्चर में डिफिकल्टीज है आपके कल्चर में कुछ गड़बड़ है कुछ प्रॉब्लम है ये जज कैसे होगा ये जज तब हुआ जब लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ा जब रेनेसांस का पीरियड आया तो इस पूरे इम्पैक्ट के बारे में आपको कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि पहले तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो लोग उन्होंने समझा कि ओके दूसरा तरीका भी है दूसरा पॉइंट इंडियन सोशल कंडीशन इंडीन सेंचुरी चाहे सोशल uh, की हालत आधी जनता आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर कंसिडर्ड एज 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 सेम एज द डिफरेंस क्लासेज ठीक है कास्ट प्रॉब्लम तो आपके यहां थी अभी भी है ठीक है वेस्टर्न कल्चर का ऑपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट था ठीक है जो कि इस पूरे मूवमेंट को पुश कर रहा था और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो एक तरीके से एनलाइटेंड इंडियन की भूमिका निभा रहे थे पीपल पीपल ठीक है इनको चीजें पता थी अब राइट हैंड साइड में उनका टॉप जो पिक्चर दिख रही है वो है ईश्वर चंद विद्यासागर की पिक्चर ठीक है ईश्वर ईश्वरचंद विद्यासागर की पिक्चर आपको दिख रही है राइट हैंड साइड स्क्रीन पे देखो ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी

ठीक है 1890 से 1900 के बीच में में एक तरीके की की नेशनलिज्म फीलिंग बंगाल तो आ ही गई थी लेकिन डिफिकल्टीज बाकी एरियाज़ में अभी भी थी क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस आउटलुक अभी उस तरीके से चेंज नहीं हुआ था एंड दैट टुक थ्रू आउट होल ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्रांसफॉर्म ठीक है रिलीजियस रिफॉर्म्स वॉज मेजर कंसर्न ऑफ दीज मूवमेंट्स वन ऑफ दम एक्सक्लूसिवली रिलीजियस कैरेक्टर ओके अब जितने भी ये मूवमेंट हुए इन मूवमेंट के बारे में सोशल मूवमेंट के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूं चाहे वो ब्रह्मो समाज हो ठीक है अभी आप जब ये क्लासेस अटेंड करने के बाद जब आप स्पेक्ट्रम को रेफर करेंगे या फिर अगर आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को रेफर कर रहे हैं या एनसीआर भी पढ़ेंगे तो उसमें आप जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखेंगे ठीक है या फिर जिन स्कॉलर्स का नाम पढ़ेंगे जिन इंटेलेक्चुअल्स के बारे में पढ़ेंगे चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो चाहे ए के दत्त हो अक्षय कुमार दत्त ठीक है चाहे राजा राम मोहन रॉय उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यह देखेंगे कि पहली बात तो उन्होंने एनलाइटेंड लोगों की तरह बिहेव करना शुरू किया उन्होंने ये पूरा आइडिया जो थ्योरी ऑफ कर्मा होती है ना कि वट आई हैव डन आई एम पेइंग फॉर इट एंड वट आई एम डूइंग आई हैव टू पे फॉर इट लीटर ऑन एंड दैट्स वाई यू शुड कीप ऑन डूइंग गुड वर्क एंड देन अच्छा काम करो जिससे फल मिले ठीक है आइडिया ऑफ अदर वर्ल्डनेस ठीक है कि अच्छा काम करो पुनर्जन्म में फायदा मिलेगा ठीक है इस पूरे कॉन्सेप्ट को सेल्वेशन के ठीक है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने साइडलाइन किया उन्होंने कहा भाई अभी क्या मिलेगा इस वर्ल्ड में यहां रहते हुए क्या बेनिफिट होगा ये बताओ पहले मतलब तीन दिन से खाना नहीं खाया और तुम कह रहे हो कि और तीन दिन खाना मत खाओ मोक्ष प्राप्त होगा वो तो हो ही जाएगा यार छह दिन खाना नहीं खाएंगे ठीक <laughs> है पता नहीं क्या क्या प्राप्त हो जाएगा फाइन सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस समय के जो लोग हैं और खासकर ये मूवमेंट्स बंगाल में हो रहे थे और पूना में भी हो रहे थे लेकिन अभी हम बंगाल पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर अक्षय कुमार दत्त ये वो लोग थे जो इस डिस्कशन से ही आउटलाइन हो जाते थे क्योंकि इन्हें पता है देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर आप किसी को कोई चीज समझाना चाहते हो ठीक है अगर किसी को अगर आप किसी को समझा रहे हो कि भाई सुनो तुम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये गलत है वो आपकी बात क्यों मानेगा तो यू कैन डू दैट आपको उस इंसान को ऐसे ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि वो खुद देखे उसको खुद ये चीज समझ में आए कि वो जो बिहेवियर कर रहा है चाहे वो रिलीजियस बिहेवियर हो चाहे वो सोशल बिहेवियर हो वो गलत है अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किसी इंसान को यू शुड नेवर टेल द पर्सन डायरेक्टली कि सुनो ये गलत कर हो मत करो नथिंग विल कम आउट ऑफ इट हो सकता है वो आपके सर पर डंडा मार के भाग जाए ठीक है दैट कैन हैपन सो डोंट नेवर डू दैट वट यू शुड डू इज यू शुड क्रिएट सच एन एटमोस्फियर जिसमें उस इंसान को ये रियलाइज हो दैट वट ही और शी इज डूइंग इज रॉन्ग एंड सर्टन चेंजेस सर्टन मेंट्स नीड्स टू बी डन कुछ चीजें मैंट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें अमेंड करनी पड़ेंगी जिंदगी में ठीक है सो इसी वजह से आप जब भी पुराने जो स्कॉलर्स हैं ईश्वरचंद विद्यासागर अक्षय कुमार दत्त राजा राम मोहन राव इनको देखोगे इन्होंने कभी नहीं बोला इनसे पूछो जी आत्मा होती है परमात्मा होती है होती होगी भगवान का क्या रोल है सोसाइटी में जिसको पता होगा उसको पता होगा उन्होंने इन सारे क्वेश्चन पे आंसर ही नहीं दिया ईश्वर चंद विद्यागर से जब पूछा गया कि वेन ही वॉज आस्ड अबाउट रिलीजन ईश्वर चंद विद्यागर ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आई डोंट इवन हैव टाइम टू डिस्कस थिंग्स अबाउट गॉड जमीन पे बहुत कुछ है करने के लिए ठीक है फीमेल एजुकेशन के लिए काम करना है ठीक है उस पर काम करते हैं नए कॉलेजेस बनाते हैं लिटरेसी बढ़ाते हैं ठीक है क्या बात करनी है गॉड की तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियलिस्टिक जमीन पे क्या हो रहा है उस पर बात करनी है उस पर बात ही मत करो और ये पॉइंट नहीं था कि दे डोंट हैव अ ओपिनियन बट दे न्यू इट वेरी वेल कि अगर हमने बात की सो वी विल बी क्वेश्चन एंड मेजॉरिटी विल बी इन सपोर्ट ऑफ देयर रिलीजियस आइडियोलॉजीज और वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो बात ही मत करो पहले वो उनको बेनिफिट देखने दो कि अगर आप प्रैक्टिकल होकर रैशनल होकर काम करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा और फिर ओवर द पीरियड वो खुद समझ जाएंगे चंद चंदल जी विवेकानंद इन लोगों ने भी इन्हीं चीजों पे फोकस किया विवेकानंद तो एक स्टेप आगे चले गए विवेकानंद ने क्या किया विवेकानंद ने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया कुछ वैसे ही काम राजा राम मोहन राजा राम मोहन रॉय ने भी किया क्या किया इन लोगों ने इन लोगों ने वैदिक अंडरस्टैंडिंग को ही मॉडर्न रैशनल थिंकिंग से जोड़ दिया इन्होंने जितने भी वैदिक प्रिंसिपल्स वैदिक आइडियाज वैदिक कॉन्सेप्चुअलिटीज वैदिक हाइपोथेसिस थे ठीक है वेद पुराणों में लिखे हुए उनको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखो दे वॉट दे सेट फाइव थाउजेंड ईयर बैक और टू थाउजेंड ईयर बैक दैट इज एक्चुअली रैशनल और उसको रैशनल थिंकिंग से जोड़ के तब एक्सप्लेन किया कि आप गलत काम मत करें ठीक है सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो वेरी वेल अच्छा काल एक एक स्कॉलर है ठीक है अगर आपका अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो यू बी रीडिंग अ लॉट अबाउट मैक्स वेबर अगर पॉल साइंस या फिर ऐसा भी कोई टॉपिक्स हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाएगा पढ़ने को लेकिन सोशियोलॉजी है अगर आपको ऑप्शनल तो विल बी रीडिंग अ लॉट अबाउट मैक्स वेबर मैक्स वेबर एक स्कॉलर थे ठीक है अगेन जर्मन स्कॉलर ही अगेन स्टडीड अ लॉट अबाउट इंडियन सोसाइटी मैक्स वेबर ने क्या कहा मैक्स वेबर ने कहा इंडियन सोसाइटी इन द नाइनटीन सेंचुरी वॉज कॉट इन अशियस वेब क्रिएटेड बाई रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड सोशल ऑब्सट्रक्टम ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ऑबस्ट्रक्टिनिज्म ऑब्सट्रक्टनिज्म का मतलब समझ लीजिए पहले ऑब्स्ट्रक्टनिज्म का मतलब होता है एक पूरा मेथड जिसके थ्रू आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि एक्चुअल रियालिटी क्या है नॉट ओनली दैट यू डोंट नो यू डोंट वॉन्ट टू नो इसी चीज को बाद में अगर आप अगर आप अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें आप आ, पढ़ेंगे नोम चॉम्सकी के बारे में नोम चॉम्सकी ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में कहते हैं द प्रॉब्लम विद पीपल इज नॉट दैट दे डोंट नो द प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट दे डोंट नो दैट दे डोंट नो लोगों के साथ प्रॉब्लम यह नहीं है कि उनको बातें पता नहीं है प्रॉब्लम यह है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको नहीं पता है ठीक है सो दैट इज समथिंग दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिनिज्म ट नॉट ओनली रिलीजियस सुपरस्टिशन है बट सोसायटी में प्रॉब्लम क्या है यह पता होना तो बहुत दूर की बात है आपको यही नहीं पता है कि सोसायटी में प्रॉब्लम है ठीक है सो दैट कॉजेज द डिफिकल्टी दैट कॉजेज द प्रॉब्लम ऑन द वेरी बेसिक लेवल द रिफॉर्मर्स विजन ऑफ द फ्यूचर वॉज नॉट बेस्ड ऑन आइडियलाइजेशन ऑफ अ गोल्डन पास्ट इट वॉज ओनली एन एड एंड एन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखिए जब विवेकानंद भी बात करते हैं क्योंकि देखो अभी क्या होगा ना अब हम एन नाइन हंड्रेड पे आएंगे हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे हम शिवाजी जयंती हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे सो एक गोल्डन पास्ट की बात होने लगेगी लेकिन जब हम एटीन ट्वेंटी थर्टी एटीन फोर्टी एटीन फिफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल्डन पास्ट की बात नहीं हो रही जैसे अभी कई बार कहते हैं ना कि पुराने जमाने में ठीक है राम जी के टाइम पे इंटरनेट था और उड़न खटोले उड़ते थे ऑन ऑल थिंग्स ठीक है ठीक है सो उसके बारे में उन लोगों ने नहीं कहा क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पुराने स्कॉलर्स इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का पास बहुत ग्लोरियस था और हमको वापस वो अटेन करना है नहीं नहीं द रिफॉर्मर्स विजन ऑफ द फ्यूचर वॉज नॉट बेस्ड ऑन आइडियलाइजेशन ऑफ एन गोल्डन पास्ट उन्होंने ऋग वैदिक और जो वैदिक आइडियाज थे उपनिषद में लिखे हुए उनको सिर्फ यूज करने की कोशिश की जिससे लोगों को समझाया जा सके कि अभी जो वो कर रहे हैं वो गलत है ठीक है जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अपोजिशन इस तरीके से किया कि उन्होंने वैदिक और उपनिषद में लिखे हुए लाइंस को निकाल के दिखाया कि भाई कहां है वैदिक टाइम में उपनिषद में तो लिखा है कि रिग वैदिक टाइम्स में आज से पंद्रह बीसी में ठीक है पंद्रह सो बीस में तो अगर लोगों अगर किसी की डेथ हो जाए अवे तो उनकी जो वाइफ है उनकी बेटर हाफ है आप उनको बर्न ऑफ नहीं कर सकते आप उनको जलाओगे नहीं शी शुड बी अलाउड टू लिव हर रेस्ट ऑफ द लाइफ विद सम अदर मैन इट्स इट्स अ नॉर्मल थिंग सो राजा राम मोहन रॉय ने इसको बारे में बहुत काम किया सेम थिंग डन वॉज बाई विद्यासागर ईश्वर चंद विद्यागर ने विडो रिमैरिज के लिए बहुत सपोर्ट किया ठीक है विदाउट बींग कन्विस्ड अबाउट स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड दयानंद दयानंदी का अथॉरिटी जब दयानंद सरस्वती ने ठीक है अभी आप दयानंद एंग्लो वेदिक स्कूल के बारे में जानते होंगे अगर आप पंजाब में होंगे या यूपी में होंगे तो आप डी ए वी स्कूल्स के बारे में जानते होंगे अभी भी पंजाब में डी ए वी स्कूल्स मिल जाते हैं ठीक है यूपी में भी मिल जाते हैं डीए वी स्कूल्स का पूरी चेन है ठीक है दयानंद एंग्लो वेदिक ठीक है स्कूल्स So, DAB, क्या था ये ये दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो मूवमेंट शुरू की थी आर्य समाज वहां से चीजें आती हैं ठीक है एंटी कास्टिज्म पे बात होगी वैदिक अथॉरिटी की बात की उन्होंने क्या कहा उन्होंने वेदों का यूज करके बताया कि वेदिक टाइम्स में जो डिविजन होता था कास्ट में कास्ट हायर वो फ्लूड था एंड इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन ठीक है वो फ्लूड था कि अगर कोई शूद्र है लेकिन वो वो पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है तो हिल भी कंसिडर अ ब्राह्मण आपको उसको शूद्र कंसिडर करने की जरूरत नहीं है और इसलिए अगर आप अभी भी जाके देखोगे तो आर्य समाज में और बाकी जगह पे कास्टिज्म के लिए कोई स्पेस नहीं मिले ठीक है सो so, इस तरीके से इन्होंने क्या किया इंडिया के पुराने जो आइडियाज थे जो बुक्स थी जो स्क्रिप्चर्स थे उन स्क्रिप्चर्स को यूज करके बताने की कोशिश की कि प्लीज डोंट फॉलो दीज थिंग्स ये जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं चाहे कास्ट सिस्टम की हायर हो या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस से लेके सती प्रथा जैसी सिस्टम हो ये सारी चीजें या फिर चाइल्ड uh, मैरिज हो ये सारी चीजें 15, 16, 17 सेंचुरी में डेवलप हुई हैं इससे पहले हिंदुइज्म में भी इनके लिए जगह नहीं थी ओके okay? और फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया दीज थिंग्स शुडन बी फॉलोड और ये होता है ये होता है ये इम्पैक्ट होता है इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूं देखिए इस्लाम में तो कहीं स्पेस नहीं होता कास्टिज्म का ठीक है इस्लाम में तो कास्टिज्म का कोई की जगह नहीं है लेकिन अगर आप अभी पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको वहां पे आपको आ, लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी कास्ट बना रखी है ठीक है मुस्लिम्स में भी कास्ट बना दी उन्होंने पाकिस्तान में तो वो कास्ट कैसे बन गई वो कास्ट इसलिए बन गई कि जब पिछले 500-800 सालों से उस तरफ के लोग भी जो पाकिस्तान में अभी हैं वो लोग मिलजुल के रह रहे थे पूरे के पूरे सोसाइटी में इंडियन सब में और इंडियन सब में जो कास्ट सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम जो दूसरा रिलीजन था ठीक है इस्लामिक आइडियाज उसमें सीपेज कर गया और अब उनके यहां भी कास्ट सिस्टम एक तरीके का बन गया है तो इसी तरीके से यहां पे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पुराने जो आइडियाज थे उनमें बहुत सारे और आइडियाज जो हैं वो सीपेज कर गए हैं और वो आइडियाज जो हैं वो प्योर नहीं है वो परफेक्ट नहीं है वो रैशनल नहीं है और वो नाइनटीन्थ और ट्वेंटी सेंचुरी के लिए भी इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने का मतलब नहीं है उनको एंड दैट इज हाउ दे ट्राई टू एक्सप्लेन द होल थिंग कि क्यों रिफॉर्म की जरूरत है ठीक है नहीं तो पहले तो लोगों को यही समझ में आता ना कि रिफॉर्म करना क्यों है फाइन क्योंकि जो भी रिलीजन में होता है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता आपको भी पता है रिलीजन को क्वेश्चन नहीं करता कोई फाइन चलो अब एम जी रानाडी ने क्या कहा एम जी रानाडी सेमजी रनाडी ने एक बात कही आर डेड buried एंड burnt वंस फॉर ऑल एंड द डेड पास कैन नॉट be फॉर बी by एक्सेप्ट reformation रिफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड into new न्यू forms फॉर्म ठीक है सो महादेव गोविंद रनाडे उनका भी यही कहना था कि भाई जो मर गया है ही हैज पास्ड ऑन ठीक है अब चाहे आप उसको बरी कर दो दफना जो या जला दो या जो भी कर दो ठीक है उसको रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए इट्स ओवर मटेरियल वर्ल्ड में रहो वहां की बात सोचो all this doesn't mean subject subjection of the present to the past nor a blind resurrection of the tradition neither a revival of the past nor a total breakdown with tradition with contemplated कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा था कि भाई या तो अपने पूरे पास्ट को वापस ले आओ क्योंकि तो गलतियां वहां भी थी और कहीं यह भी नहीं कहा जा रहा था कि सब कुछ वैसा वापस कर दो all that was talked is कि भाई जो भी वेस्टर्न सोसाइटी में अच्छा है वो वहां से ले लो और अपने पुराने एंशिएंट आइडिया से एक कनेक्शन बनाए रखो ठीक है डोंट ब्रेक दैट ठीक है टू इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया द रिफॉर्म मूवमेंट वॉज रैशनलिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म ये दोनों जो थॉट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे और नीचे कमेंट में मैं बता दे रहा हूं ये नीचे लिखे हुए जो दो पॉइंट्स हैं रैशनलिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म इन दोनों पॉइंट्स को याद कर लेंगे मेंशन कर लें यही वो दो आइडियाज हैं जिन पे पूरे का पूरा नाइनटीन सेंचुरी का इंटेलेक्चुअल जो रहनेसा uh, था इंडिया का वो बेस था रैशनलिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म अब रैशनलिज्म की बात तो आपको मेरे ख्याल से पता होगी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ पी वाई क्यू नहीं होता रैशनल uh, वो मैथमेटिकल मॉडल होता है ठीक है नॉर्मल टर्म में रैशनलिज्म का मतलब क्या है रैशनलिज्म का मतलब है दैट जो आपको दिख रहा है वट यू आर एबल टू फील वट यू आर एबल टू परसीव यू मेक ऑल योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर परसिवरेंस एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ठीक है इसके अलावा इसके अलावा आप हिस्टोरिकल बुक्स जो टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन है उन पे बेस कर सकते हैं लेकिन यू शुड हैव इंटरनल फीलिंग ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रैशनल थिंकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द माइट टू आस्क टू आस्क क्वेश्चन टू एनी एंड एनी ठीक है आप मंदिर में जाके पुजारी से कह सकते हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं करिएगा मत दैट विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ बट लेकिन अगर एकदम रैशनल अगर हों आप तो आप ये कर सकते हैं आप घर में अपने पेरेंट्स के पैर छूते हुए पूछ सकते हैं कि आपके पैर हम क्यों छू रहे हैं करिएगा मत फिट सकते हैं आप बट अगर आप कंप्लीट रैशनैलिटी के हो जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं ठीक है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या होता है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है दैट रिलीजन एक एक सिस्टम की तरह बन जाएगा जो आपके इंडिविजुअल के लिए होगा और यूनिवर्स में जितने भी रिलीजन है आप किसी को क्वेश्चन करने नहीं जाएंगे आपका रिलीजन सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं हैं। जो आप फॉलो कर रहे इफ समवन it, ठीक है ऑल द रिलीजन आर यूनिवर्सली बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ठीक है आपको हिंदुजम फॉलो करना है आप करिए आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करिए आपको फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू ठीक है no अब यहां से बात करते हैं एक एक करके जिन पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं जिसमें सबसे पहला नाम है राजा राममोहन रॉय का ओके okay? राजा राम मोहन रॉय का एवरीवन जस्ट 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 मोमेंट ओके okay. या yeah. अभी तक तो कोई क्वेरी किसी को या yeah, बिल्कुल बिल्कुल ऑस्टिन आस्किंग मच क्वेश्चन एंड टू टू फैमिली इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ कभी ना पूछो ठीक है राजा राममोहन रॉय की बात करते हैं अब देखो राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन सेवनटीन हंड्रेड एंड टू इन टू अ ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल ठीक है राधागंज करके एक जगह है मुर्शिदाबाद के पास वहीं पर पैदा हुए थे अच्छी फैमिली थी वेल well टू डू फैमिली ही वॉज अ कुलिन ब्राह्मण कुलिन ब्राह्मण का मतलब पता है किसी को कुलिन ब्राह्मण का मतलब पता है एनी वन कोलिन ब्राह्मण का मतलब एनी वन ओके okay. कोलिन ब्राह्मण एक्चुअली ब्राह्म में भी एक कम्युनिटी होती थी, थी जो कि सिर्फ डावरी पे जिंदा रहती थी आपको कि ये क्या होता है हाँ दे वॉज अ कम्युनिटी ऑफ ब्राह्म जो पॉलीगेमी पे विश्वास रखते थे पॉलीगेमी फॉलो करते थे फिर वो एक एक किसी फीमेल से शादी करते थे फिर उससे शादी के लिए डावरी लेते थे फिर उस डावरी पे जिंदा रहते थे फिर कुछ दिन बाद जब पैसे खत्म हो जाते थे तो किसी और वुमेन से शादी कर लेते थे इस तरीके से वो कई सारी शादियां करते थे और पूरी लाइफ जो उनको डावरी में पैसे मिलते थे दहेज में उसी पर वो अपना गुजारा करते थे दीज आर काइंड ऑफ कोलिन ब्राह्मण्स ठीक है सो so, राजा राम मोहन रॉय वॉज एक्चुअली बॉर्न इन अ अलिन ब्राह्मण फैमिली ना कुलिन ब्राह्मण्स की जो ये पूरी प्रैक्टिस थी ये तो सिक्सटीन सेंचुरी तक खत्म हो गई थी ठीक है थर्टीन सेंचुरी में ऐसी चीज़ें हो रही थी फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी में ऐसी चीजें हो रही थी लेकिन कोलिन ब्राह्मन की ये प्रैक्टिस सिक्सटीन सेंचुरी में खत्म हो गई थी ये पूरी थॉट बताने के पीछे आइडिया ये है कि आप समझें कि राजा राम मोहन रॉय वो सम्वन जिन्होंने मोनोगेमी को सपोर्ट किया पॉलीगेमी के वो अपोज थे नाउ जस्ट इमेजिन अगर आप खुद आप जिस फैमिली से आ रहे हैं आपकी खुद की फैमिली जो है वो पॉलीगेमी फॉलो करती है आपकी खुद की शादी तीन बार हो चुकी है लेकिन स्टिल आप फाइनली आप कह रहे हैं कि ओके okay, अभी जो हो गया वो मेरे पेरेंट्स ने कराई और या फिर मेरी शादी या फिर बाकी चीजें अब वी सपोर्ट मोनोगेमी वी सपोर्ट इक्वालिटी ऑफ वुमेन ठीक है एंड दैट इज वाई यू नीड टू रिस्पेक्ट दीज पीपल बिकॉज नॉट गोइंग आउटसाइड घर के बाहर जाके सिर्फ इशू क्रिएट करना नहीं ये लोग घर के अंदर भी ओके इवन ऑन अ सोशल लेवल बिफोर स्टार्टिंग अ सोशल मूवमेंट दे ऑल्सो फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन विद इन देयर फैमिली

ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी ही पुट हिज फेथ इन मोनोथिज्म मोनोथिज्म मतलब मोनोथिज्म का मतलब इसको नहीं पता है समझ लें दैट देयर इज वन सुप्रीम बीइंग गॉड का वर्ड यूज नहीं करेंगे यहां पे वी वी व्हाट वर्ड विल यूज इज देयर इज वन सुप्रीम बीइंग एंड हु इज कैपेबल ऑफ ऑल ठीक है ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिज्म ठीक है ही रोट अ बुक कॉल्ड एज गिफ्ट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन एटीन हंड्रेड एंड नाइन सेप्ट ऑफ जू जीज एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एंड ही ट्रांसलेटेड एंड द उपनिषद इन बंगाल क्यों ये कर रहे थे ये सारी चीजें इसलिए की जा रही थी ताकि सोसाइटी में रह रहे लो, 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 लोगों को यह समझाया जा सके ठीक है सोसाइटी में रह रहे लोगों को यह समझाया जा सके कि रिलीजन में जो बातें लिखी थी वो गलत नहीं थी उनके पीछे एक रैशनल रीजनिंग थी ठीक है चाहे गिफ्ट टू मोनोथीस्ट हो परसेप्ट ऑफ जीजस हो या फिर बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ वेद और उपनिषद उसमें यही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्या हो गया अस्व कौन सा बात नहीं समझ आई वर्ड क्यों लिख रहे हैं आप या अनुराग देर आर मोर बुक्स ओके ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इतनी सी बुक लिखी देव आर मोर बुक्स लेकिन वो बुक्स आपको डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है ठीक है इन एटीन फोर्टीन ही सेटअप द आत्मीय सभा ठीक है आत्मीय सभा का काम क्या था टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडियाज ऑफ द वेदांता एंड टू कैंपेन अगेन आइडोलेट्री सो जो आइडल वर्शिप वाली पूरी चीज थी उसका इन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम में पूरे कास्ट सिस्टम का अपोज नहीं किया याद रखें राज, राजा राममोहन रॉय ने कास्ट सिस्टम का अपोज नहीं किया उन्होंने कास्ट रिजिडिटीज का अपोज किया राजा राममोहन राय क्योंकि वेद पुराणों को यूज कर रहे थे एक्सप्लेनेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम तो ठीक है बट ये कहना कि अगर कोई शूद्र पैदा हुआ है तो वो पूरी जिंदगी शूद्र ही रहेगा दिस इज रॉन्ग इफ द पर्सन इज वेल रेड ही शुड बी अ अ ब्राह्मण ब्राह्मण एंड इफ हैज नॉट स्टडीड एवर इन इज ओन लाइफ ही शुड बी अ शूद्र ठीक है सो so, आइडिया क्या था इनका राजा राम मोहन रॉय का कि ये जो हायरकिज हैं ये डिविजन जो है ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है सो so, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पे समझ लीजिएगा ठीक है Although वो जो बात कह रहे थे अगर वो आप बात कर दें तो एक तरीके से कास्ट अपने आप खत्म ही हो जाएगी ठीक है तो क्योंकि अगर आप आपको ब्राह्मण कहा जाए और आपका जो आपका जो भाई है या आपकी बहन है उनको शूद्र शूद्र कहा कहा जा, जाए जाए फिर आपके पापा को शूद्र कहा आपकी मम्मी को ब्राह्मण कहा जाए बीच में कोई आपकी फैमिली में वैश्य भी हो देन इट ऑल बी रिजॉल्व ना प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ठीक है सो मीनिंगलेस रिचुअल्स जो भी होते हैं ठीक है थीके? जो सारे वैदिक रिचुअल्स जो अभी भी फॉलो किए जाते हैं उन पे भी इनका कोई सपोर्ट नहीं था उसको भी इन्होंने अपोज किया ब्राह्मण का फैक्ट वाज या ऑस्टिन इज लाइक कुलिन ब्राह्मण नहीं कुल ब्राह्मण का ऐसे इन टोटल देर वाज सिक्सटीन काइंड ऑफ प्रीस्ट इन हिंदुइज्म आर जस्ट वन ऑफ दोन का ठीक है बाकी फिफ्टीन काइंड खत्म हो गए ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इन फोर्टीन ही सेटअप आत्मीय सभा एक ग्रुप बनाई इन्होंने जिसका काम था मोनोथेस्टिक आइडियल्स को बढ़ाना ठीक है यह वेदांतिक आइडियाज पे बेस्ड था ठीक है अब यही आत्मीय सभा को आगे बढ़ाते हुए 1828 में आते आते इन्होंने ब्रह्मो समाज ब्रह्मो सभा को बनाया और लेटर ऑन इनके डेथ के बाद क्योंकि ब्रह्मो सभा बनाने के पांच साल बाद इनकी डेथ हो गई इसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज रख दिया गया वेन द ओवरऑल वर्क इंक्रीज ठीक है अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक दो और फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट तो वही कि बंगाल बंगाल सती एबोलिशन एक्ट ठीक है रेगुलेशन 17 भी कहा जाता है इसको 1829 में विलियम वाज़ द गवर्नर जनरल जब उसको पास किया गया दैट वाज़ आल्सो पास बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट सती प्रथम दैट इज पॉइंट नंबर वन ज इन एटीन हंड्रेड एंड एट एंड एटीन हंड्रेड एंड नाइन अकबर टू सेंट राम मोहन रॉय टू ब्रिटेन मेकिंग श्योर की राम मोहन रॉय अकबर टू के एनवॉय बन के जाए ब्रिटेन और ब्रिटेन में किंग से बात करके अकबर टू जो इंडिया के मुगल बादशाह थे उनकी पेंशन बढ़वा दें उसी कारण से राम मोहन रॉय का नाम के नाम में राजा का टाइटल लगा क्योंकि अकबर टू ने उनको ये टाइटल दिया था ठीक है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको राजा राममोहन रॉय के बारे में पता होनी चाहिए ओके okay, चलो ब्रह्मो समाज अब 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई चलो भाई ठीक है अब देखो राजा राम मोहन के बारे में राम मोहन रॉय के बारे में बहुत सारे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है व्हाट आई एक्सपेक्ट यू एज कि मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है नाउ यू हैव टू रीड स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के बाद अगर काम हो जाए तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन अ विकीपीडिया पेज एंड बिलीव मी विकीपीडिया पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट ठीक है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा उसमें बहुत है मैंने वो चेकआउट किया हुआ है ठीक है

कि भाई मोनोथिज्म का मतलब क्या है तो मोनोथिज्म का मतलब इन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज जो अनंत हो जिसको खोजा नहीं जा सकता है जो इम्यूटेबल हो वो म्यूटेट ना करे और मतलब उसकी पावर कोई उसे ले ना पाए और साथ ही साथ ऐसी कोई चीज है वही सुप्रीम है वही सॉवरिन है वही सबसे बड़ी पावर है ओके एंड दैट पावर इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स ठीक है अब ब्रह्मो सुबाजी का हम उनको फॉलो करते हैं ठीक है Uh, अब यही वो थॉट है जिसको आप कहेंगे तो आप क्या कहेंगे uh, uh, महाभारत का शो देखा है आजकल दूरदर्शन पे आता था उसमें बैकग्राउंड में आवाज आती थी मैं समय हूं तो वैसी कोई चीज़ है जो एवर लास्टिंग है सबसे ऊपर है केपेबल है दैट इज़ वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट वॉट दैट इज दे आर नॉट इंटरेस्टेड वो चीज़ है क्या उसको ढूंढने में उसके बारे में जानने में ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इनका कहना है इस दुनिया में इतना कुछ है करने के लिए कि देर इज़ नो टाइम टू डू दैट थिंग ठीक है अब मटेरियल वर्ल्ड में इन द ऑन द ग्राउंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ दिस ग्रुप ये जो ब्रह्मो समाज 1828 में बना, 1828 में 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 बना बना पहले सभा और बाद में समाज उसका नाम बदल के इनका एम क्या है तो इनका एम है टू प्योरीफाई हिंदुइज एंड टू प्रीच मोनोथिज्म ठीक है हिंदुइज्म को प्योरिफाई करना फ्रॉम दैक्टिस इवेल प्रैक्टिस लाइक सती प्रथा ठीक है फीमेल इन्फेंटिसाइड Uh, उसके बाद फिर और आप फीमेल चाइल्ड मैरिज उसका भी इन्होंने अपोज किया ठीक है टू वर्क फॉर गिविंग इक्वल राइट टू वुमेन उसको सपोर्ट किया ठीक है साथ ही साथ हिंदुजम में और जो प्रैक्टिस हैं मतलब बहुत सारा रिचुअल्स करना उसको अपोज किया इन्होंने अभी भी अगर आप ब्रह्मो ही कई सारे अभी ब्रह्मो समाज के प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको अगर आप उनके टेम्पल्स में उनके गैदरिंग स्पॉट्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको कोई रिचुअल्स नहीं दिखेंगे यू वन अ गेट मैरिड बाई ब्रह्मो समाजी विधि

वेद और उपनिषद पे पूरे का पूरा आइडिया बेस था राजा राम मोहन रॉय के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे उसको ओपोजिशन भी मिला ऑपोजिशन किससे मिला राजा राधा कांड से ठीक है राजा राधा कांत देव जिन्होंने ब्रह्मो समाज को अपोज करने के लिए धर्म सभा बना दी ठीक है धर्म सभा क्यों बनाई गई राजा राधा देव जो थे दे, उन्होंने धर्म सभा बनाई और धर्म सभा बनाने का मतलब ये था कि हिंदुज्म के जो प्रॉपर आइडियाज हैं जो रिचुअल्स हैं जो विधि हैं जो सब सारे प्रैक्टिस हैं दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल एंड दैट शुड बी प्रैक्टिस फॉर ऑल उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा अब वो भी कई दिन तक एक्टिव रहा वो ब्रह्मो समाज को अपोज करते थे बट डिबेटेबल आइडियाज व रनिंग अमोंग इन कलकत्ता समाज के फीचर्स क्या थे वो समझ लीजिए सो so, पहला चीज तो ये किया ब्रह्मो समाज ने कि ब्रह्मो समाज ने बोला कि कोई भी डिवाइन अवतार पर हम भरोसा नहीं रखते देर इज like a डिस्कार्डेड फेथ इन divine अवतार किसी भी अवतार अवतार की बात मत करो इंकारनेशन नहीं होता ठीक है सो so, जैसे कहा जाता था गौतम बुद्ध वॉस टें इंकारनेशन ऑफ विष्णु नहीं मानते ठीक है इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना आपने एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं सुनाया तो मैं आपको बता देता हूं कि रिलीजन इन द ancient टाइम्स वॉस कंसिडर नथिंग बट बेसिकली लॉ रिलीजन क्यों बनाया गया जो अब जब अगर आप ब्रह्मो समाज वाले लोगों से पूछेंगे कि रिलीजन क्यों बनाया गया तो वो आपसे यह बताएंगे कि देखो सिंपल सा पॉइंट है अब आपके पास आप एक लॉ बनाते हो आप आई पी सी बनाते हो इंडियन पीनल कोड आप सीआरपीसी बनाते हो अब सारी चीजें बनाते हो वेरी गुड एक्सिलेंट बहुत बढ़िया बात है अब इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास पुलिस है अगर पुलिस में कोई दिक्कत हो तो कोर्ट्स uh, हैं कोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम है सबूत ना मिल रहा हो तो आपके पास इतने सारे कैमराज हैं लोगों के हाथ में स्पाई वेल्स हैं इतनी सारी आपके पास सबूत हैं ठीक है थीके? आपने उसको थप्पड़ मारा था नहीं मारा था जी लेकिन हमारे पास कैमरे में प्रूफ है मारा था हो गई जेल तो अब आपके पास दूसरी टेक्निक्स हैं लोगों के बिहेवियर को हैंडल करने की जिससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे लेकिन इन द एंशंट पास दिस वॉज नॉट पॉसिबल एंड दैट्स वेयर रिलीजन केम इन टू प्ले दैट्स वेयर रिलीजन केम इन टू प्ले ठीक है रिलीजन यहां पे कैसे काम में आएगा तो रिलीजन यहां पे इस तरीके से काम में आएगा बहुत सिंपल सी बात है कि रिलीजन क्या कहेगा रिलीजन की हर रिलीजन के कुछ स्टैंडर्ड्स पॉइंट्स होते हैं कोई भी रिलीजन रिलीजन का पहला पॉइंट कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ये आप किसी भी रिलीजन में चले जाएंगे वहां पे हमेशा पहला पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट गए आप तो आपको आ, नर्क मिलेगा या फिर समथिंग लाइक यू विल गो इन दोज़क और आप हेल में जाओगे और अगर आप रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर रहे हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा ठीक है आप जन्नत में जाओगे यू विल गो इन हेवेन ठीक है ये आपको सारे रिलीजन में मिलेगा ठीक है सो क्या किया आपने आपने पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट डाल दिया पॉइंटर्स जोड़ दिया आपने लोगों के साथ ठीक है नाउ एवरी वन विल डू एवरी थिंग इन होल ऑफ देयर लाइफ टू आइदर मेरे को कुछ पॉइंट्स मिल जाए या तो अरे भाई खराब काम मत करो मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे ठीक है आपने लोगों की लाइफ का गेम शो बना दिया ठीक है एंड एवरी वन थ्रू आउट देयर लाइफ आर प्लेइंग फॉर दीज पॉइंटर्स ठीक है अरे पांच पॉइंट मिलेंगे ये करने पे अरे दस पॉइंट कट जाएंगे ठीक है सो समाज ने कहा कि भाई ब्रह्मो समाज ने कि जब तक आपके पास दूसरी टेक्निक्स नहीं थी वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि भाई पुराने जमाने में रिलीजन के रिलीजियस बिलीव जो थे वो एक्सेप्ट कराने पड़ते थे क्योंकि आपके पास उतना कोई तरीका नहीं था किंग के पास क्या तरीका होगा किंग के पास इतनी बड़ी फोर्स ही नहीं थी कि लोगों को प्रैक्टिस करा पाए लोग चीजें लेकिन कोई किंग के ऐसे सडिशन ना करे या किंग के खिलाफ कोई प्लानिंग uh, ना करें uh, वो कर, अश्योर करने का तरीका एक ही था कि भाई आप सिंपल सा काम करो आप लोगों से बोल दो कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है किंग फिर कोई लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि गॉड ठीक है सो so, आप क्या कर रहे हो सो so, उस टाइम ये सारी चीजें सही थी बट नाउ वेन यू हैव डिफरेंट सिस्टम यू डोंट नीड दी सेट ऑफ ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन और इसीलिए उनका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या लिखा है कि कोई भी स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का कोई भी स्क्रिप्चर जो है उसको अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं दी जा सकती जितने भी वर्ल्ड के रिलीजन हैं सब में अपने स्क्रिप्चर्स हैं और किसी भी स्क्रिप्चर को आप ये नहीं कह सकते कि इट्स द एब्सुलट ट्रूथ ये आज से 500 साल पहले भी बात सही थी आज से 500 सौ साल भी बात सही होगी क्योंकि दीज बुक्स दीज रिटर्न एट अ अटन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है और मस्ट हैव हैव इट इट बेस्ड ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई पीपल इन दो सोसाइटी अब आप उसको जेनेरिक करके लिख देते हो तो आपको लगता है कि हाँ अभी भी इंप्लीमेंट हो रही है लेकिन द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी इन ट्वेंटी नाइनटीन सेंचुरी एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी डिफरेंट एंड देरफोर कोई भी स्क्रिप्चर सुपर सेक्रोसेंट नहीं है कोई भी स्क्रिप्चर परफेक्ट नहीं है और ह्यूमन रीजनिंग और कॉन्साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्क्रिप्चर ऑन दिस वर्ल्ड ठीक है ये बेसिक आइडिया अब अभी तक समझ में आ गई बात कि समाज में क्या हो रहा था क्या पॉइंट कहा जा रहा था इट टुक नो definite स्टैंड ऑन द डॉक्टर ऑफ कर्मा अगेन ब्रह्मो समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे समझ लें कि ब्रह्मो समाज में एक बहुत सिंपल सी चीज जस्ट गिव मी हाँ ब्रह्मो समाज में एक बहुत सिंपल सा चीज क्या किया गया ब्रह्मो समाज को पता है लोगों को कि देखो अगर हमने रिलीजन को डायरेक्टली क्वेश्चन किया तो लोग हमारी बात मानना बंद कर देंगे तो इसलिए जब भी कोई डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा मतलब वो कर्मा थ्योरी होती है ना कि आ, कर्मा थ्योरी सबको पता है जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा वाली ठीक है so, सो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पर जब इनकी बात पूछी गई इनका ओपिनियन मांगा गया तो उन्होंने कहा कुछ कहा ही नहीं शांत जब इनसे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पे क्वेश्चन पूछा गया ठीक है कि भाई आत्मा परमात्मा की जब बातें की गई तो इन्होंने उस पर कुछ बोला ही नहीं ऐसा नहीं था कि इन लोगों का ओपिनियन नहीं था बट दे न्यू दैट जमीन पे चेंजेस करने इन रियल वर्ल्ड चेंजेस हैव टू टू बी ब्रॉट इन एंड ब्रिंग है थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर कि सोसाइटी में जो बाकी लोग रह रहे हैं उनसे आपकी लड़ाइयां ना हो जाए एंड दैट्स वाई वॉट यू डेड इज यू मेड श्योर की जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन ही ना किया जाए ठीक है एंड टू बी वेरी ऑनस्ट दे क्रिटिसाइज नाउ वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंड दिस थिंग टू डिफरेंट पॉइंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय नेवर रियली क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम एज अ होल वॉट ही सैड इज कास्ट सिस्टम इज रॉन्ग बिकॉज उसमें एक एक उसमें डिवाइड जो है वो परमानेंट हो गया है ठीक है व्हाट ही सेड कि अगर आप लोगों को का सिस्टम में हायरकी को हटा दें और लोगों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने दें ठीक है सो उनको दिक्कत नहीं थी लेकिन उसके बाद में में आने वाले टाइम तो दो चीजें दैट वेदर द क्वेश्चन इज व्हाट द ओपिनियन ऑफ ब्रह्मो समाज ऑन कास्ट सिस्टम और व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ राजा राम मोहन रॉय ऑन कास्ट सिस्टम ये दोनों चीजें आपको अलग अलग पता होनी चाहिए फाइन चलो अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोटेग्निस्ट हैं आगे के दस बारह सालों के लिए हमारी स्टोरी के वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ठीक है uh, एक कोई ऐसे एथेनियन एरिस्टोटल uh, के छोटे भाई जैसे दिख रहे हैं आपको ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी ऑटोमन uh, एम्पायर से ग्रीस पहुँचे हैं ठीक है बट ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ठीक है इन हिज यूथ इज द फादर ऑफ ही वॉज द फादर ऑफ रविंद्र टैगोर ठीक है

अब आपसे कहा जाएगा कि ये तत्व बोधनी सभा करती क्या थी तो इसके नाम में ही इसके पूरे का पूरा मतलब है ठीक है नाम में ही पूरे का पूरा मतलब है एकदम ध्यान से देखें तत्व बोधनी सभा तत्व का मतलब पता है तत्व का मतलब होता है एसेंस ठीक है तत्व का मतलब होता है रूट में जो चीज हो एकदम अंदर द कोर एजेंडा क्या है तत्व का मतलब एसेंस किसी चीज की बोधनी मतलब पता करना तो एक ऐसी ग्रुप जो कि ये कोशिश कर रही है कि हर चीज के अंदर एक्चुअल रियलिटी क्या है बेसिकली देवेंद्र नाथ टैगोर यूज टू कॉल मीटिंग्स इन हिज ओन होम

राजा राम मोहन रॉय की ऑलरेडी डेथ हो गई है एटीन थर्टी थ्री में ब्रह्मो समाज उन्होंने ज्वाइन किया नाउ देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उनकी खुद की भी कैपेबिलिटी है ही ऑलरेडी फेमस एंड सभा डूइंग सो so, जब ये टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया तो वेरी सून ही ही काइंड ऑफ बिकेम अ इंपॉर्टेंट रोल मॉडल कह लो या इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज ठीक है एंड वेरी सून द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू हिम अब ये बन के समाज के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ठीक है टैगोर टू फ्रंट्स ठीक है अब जब ये एक बार समाज में भी आ गए तो देखो इसीलिए तत्वनी सभा के बारे में बात की जाती है आ, आपको मेरे पीछे तत्व बोधनी दिख नहीं रहा होगा शायद वो आप स्लाइड्स में देख लीजिएगा वो जब अपलोड हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है तत्वबोधनी सभा में जो चीजें जो टेक्निक्स जो टूल्स देवेंद्र नाथ टैगोर ने डेवलप किए थे वो सारे के सारे टेक्निक्स और टूल उन्होंने यहाँ पे यूज किए कैसे टैगोर ने दो लेवल पे काम करना शुरू किया एक तो हिंदुजम के अंदर और एक जो दूसरे ग्रुपिंग के लोग हैं यानी ब्रिटिशर्स हैं उनको अपोज करना तो ब्रिटिशर्स को अपोज करने वाली बात अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि, कि किस लेवल का अपोजिशन था इकोनॉमिक लेवल पे अपोज कर रहे थे या फिर एक्चुअली पॉलिटिकल डिमांड्स भी कर रहे थे हम वो अभी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हिंदुज्म में ये क्या क्या बातें कह रहे थे हिंदुजम के बारे में हिंदुइज्म में क्या गलतियां हैं क्या अच्छा है उसकी बातें सो इन द ब्रह्मो समाज वाइल बींग इन ब्रह्मो समाज ही हैड अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड अप्रोच ठीक है आउटसाइड इट रिजोल्यूटली अपोज क्रिश्चियन मिशनरीज आपको एक चीज और पता होना चाहिए जब आपको 1497 वाली कहानी बताई गई थी तभी आपको बताया गया था कि इंडिया में आने वाले सारे यूरोपियंस सब कुछ करते थे लेकिन साथ ही साथ एक काम और करते थे मिशनरीज उनके साथ इंडिया में आ रहे थे दीज वर क्रिश्चियन मिशनरीज जैसा कि मैंने आपको बताया, it was not because जैसे साउथ अमेरिका में में लोगों ने अपना religion, वो मोस्टली कन्वर्ट हो गए, जो को फॉलो नहीं करते साउथ अमेरिका में लेकिन इंडिया में वो नहीं हुआ बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज वो नॉट दैट केपेबल इन इंडिया और उसके पीछे रीजन थे इस तरह के लोग ठीक है द वेल टू डू फैमिली के जो लोग थे उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज किया और यहां पे हिंदुइजम को क्रिटिसाइज करते हुए हिंदुइज्म को बचाने में देवेंद्र नाथ टैगोर का बहुत बड़ा हाथ है क्यों क्योंकि ऑन द वन हैंड ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द वेरियस इल विल ऑफ हिंदुज द प्रैक्टिस इन हिंदुइज्म ठीक है वही सारी चीजें जो भाई सती प्रथा तो नाम के लिए खत्म हुई थी एटीन ट्वेंटी में ऐसा तो होता नहीं ना कि एटीन में आप कोई चीज खत्म कर दो और वो वो हो रही वो होना बंद हो जाए भाई चाइल्ड मैरिज भी तो खत्म हो गई थी अभी भी राजस्थान में चले जाओ चाइल्ड मैरिज होती है हर साल ठीक है बट ही वॉज स्टिल स्पीकिंग अबाउट दैट कि ये चीजें हिंदुज्म में गलत हैं बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो सेम कि ठीक है हमारे यहां जो डिफिकल्टीज हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वी विल रिजॉल्व इट वी विल सॉल्व इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट इन बिटवीन दैट क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में कर रहे हैं दैट इज अब्सर्ड एंड क्रिस्चन मिशनरीज का कोई हक नहीं है कि हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदूज को वो कन्वर्ट करके क्रिश्चन रिलीजन uh, में लेके जाए ठीक है So, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऑल्दो एट द सेम टाइम ही वॉज क्रिटिसाइजिंग हिंदुइज्म एंड एट द सेम टाइम ही वॉज ही वॉज प्रोटेक्टिंग ऑल्सो हिंदुइज ठीक है सो एक इस तरीके से जी एस वन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि द नाइनटीन सेंचुरी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स द नाइनटीन सेंचुरी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर हेल्पिंग आउट इंडियन रिलीजन एज वेल एज अपोजिंग इट कमेंट ठीक है नाउ यू हैव टू राइट फुल पैराग्राफ कि भाई क्यों सो so उसमें आप देवेंद्र नाथ टैगोर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं ठीक है सो दैट इज हाउ द क्वेश्चन विल बी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर कब पैदा हुए उनके बारे में सब कुछ जो जानते हो लिख दो ठीक है दैट वोट बी डन इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल बी वेरी स्पेसिफिक कि द नाइनटीन सेंचुरी इंटेलेक्चुअल्स इंडियन इंटेलेक्चुअल्स प्रैक्टिस इन हिंदुइज ऑल्सो सपोर्टेड द हिंदुजम एज अ रिलीजन कमेंट और एनालाइज ठीक है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट फाइन चलो द रिवाइटलाइज समाज सपोर्टेड विदोर रिमैरिज वुमेन एजुकेशन एबोलिशन ऑफ पॉलिगमी इंप्रूवमेंट इन रैय कंडीशन एंड टेम्परेंस अब देखो यहां पर समाज जो है ये इन चीजों को अब जाके अपोज कर रहा है कैसी चीजें uh, कि भाई आप वुमेन रिमेरिज को नहीं होने दे रहे या फिर वो सपोर्ट कर रहे थे वुमेन एजुकेशन को पॉलीगमी को इन्होंने इन्होंने सरासर सामने से अपोज किया इन्होंने कहा कि देर शुड बी वन मैन एंड वन वुमेन ठीक है एक इंसान छह लोगों से शादी क्यों कर रहा है ठीक है सो दीज थिंग्स दे अपोज वेरी स्ट्रिक्टली अब ये हो गई सिर्फ समाज की बात और समाज के दो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे ठीक है देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे राजा राममोहन रॉय और ब्रह्मो समाज की बात हो गई इतने देर में ठीक है हमने अभी ब्रह्मो समाज का एक ऊपर से ओवरव्यू लिया है ठीक है एंड दैट एक्चुअली टुक मोर देन लाइक फोर्टी मिनट्स अगर आप ब्रह्मो समाज को एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके दो तीन दिन लग जाएंगे मत करें जरूरत नहीं है अभी ठीक है लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन या तो पूरी मगप होनी चाहिए या फिर वो होलिस्टिक रीडिंग की जरूरत पड़ेगी सो वॉटर सूट्स यू बेटर अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट सपोर्टिंग फैक्टर्स स्टीव इज़ आस्किंग क्या-क्या देखिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके बोला ठीक है इंटेलेक्चुअल्स वर अपोजिंग द इल प्रैक्टिस इन हिंदुजम वाइल सपोर्टिंग द रिलीजन एज अ होल कमेंट अब इसमें आपको सपोर्टिंग फैक्टर्स में पॉइंट्स देने है. तो पहला पॉइंट नाथ टैगोर का दोगे दैट मीन वाइल he opposed and criticized very harshly uh, the ill practices अपोज एंड क्रिटिसाइज वेरी हार्शलीस इल प्रैक्टिस चार पांच ठीक है pratha सती प्रथा थीके? female infanticide ठीक है जेंडर जस्टिस की कोई जेंडर uh, जस्टिस किसी तरीके का नहीं था इन सारी चीजों को आप लिख देंगे इसके उन्होंने, उन्होंने अपोज बोला तो आप हिंदुइज को क्रिटिसाइज करना एक तरीके से ऐसा लगा सामने से लेकिन आप हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज तो कर रहे थे हिंदुइज्म की इल practices को At the same time, you were also supporting the religion because you were opposing outsiders who were trying to influence people. aapka kehna tha hamari jo problems hum resolve kar lenge aap dekho Same thing was going on with other scholars. For example, Vidya Sagar, Ishwar Chandra Vidya Sagar. Ishwar Chandra Vidya Sagar ने जब school खोलने की बात की तो he was very much focused on the India में रहने वाले जो Bengal में रहने वाले woman हैं उनकी education पे कैसे काम किया जाए. And Vidya Sagar was डिटर्मेंट की भाई जो ब्रिटिश मिशनरीज़ हैं, उनके स्कूल क्योंकि आपको पता है मिशनरी स्कूल्स अभी भी एक्टिव होते हैं विद्यासागर वॉज कि हमें मिशनरी स्कूल से अच्छा स्कूल खोल के देना है मेकिंग श्योर sure की इंडियन किड्स डोंट गो टू मिशनरी स्कूल्स, ठीक है ये पॉइंट्स ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं आ... Majid, the problem is that most of the students in the class ex uh, expect this thing has to go on in a bilingual way. I hope you understand a bit. Uh, I try my best to continue most of the things in a bilingual manner. The, the whole thing can't be done in English because most of the students uh, understand bilingual. Okay, sorry for that. Okay, yeah. Although we have another channel uh, where we do all the things just in English uh, Unacademies, UPSC, CSE. Uh, let's crack UPSC, CSE English.

And 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 he he died also, and before that that started a movement Movement. on its own, okay, and that was Young Bengal आप एक रेडिकल intellectual ट्रेंड देखोगे बंगाल में जो बंगाल में फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज है आई होप सो मोस्टली अगर कोई बंगाल से होगा तो उनको पता होगा ओके देर इज प्रेसिडेंसी कॉलेज ओके प्रेसिडेंसी कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती थी ठीक है इंडिपेंडेंस से पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज वॉज अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस टू बी सुभाष बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज ओनली ठीक है देर एम रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड और ये रेडिकल जो ट्रेंड था ये कुछ ज्यादा ही रेडिकल था इंडियन टाइम्स के हिसाब से मतलब अगर आप ब्रह्मो समाज के आइडियाज को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो ब्रह्मो समाज के आइडियाज एटीन के बाद से डेवलप हुए

फॉर एग्जाम्पल अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में जिस तरीके से यू मस्ट बी डिस्कसिंग उस तरीके से पीपल मस्ट भी डिस्कसिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन नाउ डिरोजियो वाइल्ड टीचिंग हिस्ट्री स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट अबाउट लिबर्शी इक्वालिटी फ्रीडम ठीक है एंड राइट ऑफ द मैन ठीक है Uh, so, उससे हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो बैच थी डिरोजियो की वो डिरोजियोइट्स बन गए ओके okay? डि दि, डिरोजियंस कहते थे उनको दे वर द डिरोजियंस बिकॉज दे वर द पीपल हु नॉट ओनली सपोर्टेड वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन स्टार्टेड आस्किंग इक्वालिटी ऑन ऑल फील्ड आस्किंग वो जो यूरोपियन आइडिया में आते आते अभी सौ साल और लगेंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वॉज ओनली इन जलिया वाल बाग दट इंडियन स्टार्टेड प्रॉपरली आस्किंग हमें इंडिपेंडेंस चाहिए उससे कंपे में काम नहीं होगा और नाइनटीन थर्टी में जाकर हमने टोटल इंडिपेंडेंस की बात की पूर्ण स्वराज की उसके सौ साल पहले डिरोजियो वॉटेलिंग स्टूडेंट टू आस्क फॉर फ्रीडम इक्वालिटी लिबर्टी ठीक है वो जो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पता पढ़ा, पढ़ाए गए थे अब ये चीज इतनी डिफिकल्ट हो गई कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया डिरोजियो को जॉब से हटाओ भाई ये सत्रह अट्ठारह साल का लड़का और ये सब कुछ खराब कर देगा सो डेरोजियो वॉज रिमूव फॉर द जॉब एंड देन ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम ठीक है डेंगू और इस टाइप की मलेरिया वाली कुछ बीमारी हुई उनको और ही डाइड ओके एट वेरी यंग एज बट जो आइडियाज थे डिरोजियो के जो वो चार पांच साल का पीरियड था वो इतने ज्यादा डेवलप हुए और यंग बंगाल मूवमेंट कंटिन्यूड ऑन फॉर नेक्स्ट टेन ईयर्स दैट पीपल लाइक सुरेंद्र नाथ बेनर्जी ओके सुरेंद्र नाथ बेनर्जी लेटर ऑन गॉड सेलेक्टेड इन टू आई सी एस इन एटीन सिक्सटी वन बैच आई थिंक नाइन एटीन सिक्सटी नाइन ओके एंड देन केक डाउट सुरेंद्र नाथ बेनर्जी यूज टू कॉल डिरोजियंस एज द पाइनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कॉन्स्क्रिप्ट फादर ऑफ आर रेस हुई जनरेशन एंडिंग ऑल्सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी गुड इन इंग्लिश एओ ह्यूम ने एक बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी की स्पीच सुनी थी और उन्होंने कहा था कि आई हैवन सीन एनी वन इन होल ऑफ कॉमन वेल्थ स्पीकिंग सच अ गुड एंड प्रॉपर इंग्लिश ओके सो सुरेंद्रनाथ बेनर्जी के बारे में हम और आगे भी देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो को डिरोजाइट्स जो डिरोजियंस थे उनको एक्सप्लेन करते हुए क्या बोला सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला कि द दे आर द पाइनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल दे आर द कॉन्स्क्रिप्ट फादर्स ऑफ आर रेस हुज विल एक्साइट जनरेशंस एंड हुज फेलिंग्स जहां वो पीछे रह गए थोड़ी से हुज फेलिंग्स विल बी ट्रीटेड विद द जेंटलेस कंसिड्रेशन कि अरे ठीक है उम्र कह रह गई तो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होगी ठीक है सो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें यहां पर देख ली लेट्स मूव फॉरवर्ड ईश्वर चंद्र विद्यासागर द नेक्स्ट पॉइंट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ठीक है अगेन टोल्ड यू इट सेल्फ दैट ही वॉज अ स्कॉलर हिम सेल्फ द बेसिक आइडिया वॉज कि किस तरीके से इंडियन और वेस्टर्न थॉट को मिला के काम किया जाए ठीक है सो ही बिलीव इन हाई मॉरल वैल्यूज विद डीप ह्यूमनिस्ट

बैथनी uh, स्कूल जो बना था 1849 में उसके भी ये सेक्रेटरी रहे थे एंड ही वाज वन ऑफ द पाइनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा आइडिया कि वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न सोशोलॉजी वेस्टर्न जो पूरे के पूरे साइकोलॉजी थी उसको इंडियन कल्चर में इंडिया में कलकत्ता में पढ़ाने का जो आइडिया था वो ईश्वरचंद विद्यासागर का ही था एंड दैट इज वाई ही बिकेम सो इम्पॉर्टेंट ओके दूसरे अब जब हमने बंगाल की थोड़ी सी बात कर ली तो हम थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं और हम किसकी बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ ठीक है so, सो वही पूना और जो आप वेस्टर्न कोस्ट का एरिया देखते हैं वही एरिया जहां पे एक टाइम पे जहां पे एक टाइम पे यू सी दैट पे पेशवा शाही वॉज एट इट्स बेस्ट उसी एरिया में आप देखते हैं कि अब नए इंटेलेक्चुअल्स डेवलप होंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाल शास्त्री बाल शास्त्री जाम्बेकर क्यों क्योंकि इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर माना जाता है पीपल टू अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज विडो रिमैरिज टू इंस्टिल इन द मासेज साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ सो अगेन वही चीज जो बंगाल में चाहे विद्यासागर कर रहे थे चाहे uh, राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे या फिर फॉर दैट मेटर डिरोजियो भी कर रहे थे वही चीज महाराष्ट्र में और टू बी वेरी स्पेसिफिक वेस्टर्न कोस्ट पे ठीक है पुणे और आसपास के एरिया में बाल शास्त्री जांबेकर जैसे लोग कर रहे थे जाम्बेकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि एटीन में ही स्टार्टेड अ न्यूज जिसका नाम था दिग्दर्शन ठीक है जिसमें ही स्टार्टेड पब्लिशिंग साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एज वेल एज हिस्ट्री सब्जेक्ट तो हिस्टोरिकल टॉपिक्स और साइंटिफिक टॉपिक्स दोनों उसमें दिग्दर्शन में पब्लिश होते थे इस पब्लिकेशन का जाम्बेकर का नाम और दिग्दर्शन का नाम आपको पता होना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ठीक है जाम्बेकर फाउंडेड द बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी बी एन जी एल एंड स्टार्टेड द नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी ठीक है ऑफ विच एंड ऑफ शूट वॉज द स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी ठीक है एल्फिंस्टन कॉलेज था ठीक है पूना में सावित्रीबाई बाई पुले कॉलेज जो है वही वाला ठीक है वहां पे पहली बार कभी हिंदी के प्रोफेसर किसी को अपॉइंट किया गया था तो जांबेकर को ही किया गया था ठीक है सो आर फ्यू थिंग्स जो आपको यहाँ पे जाम्बेकर के बारे में पता होनी चाहिए और वो आपको बता दी गई सो नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी ये दो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी जमीन पे ठीक है परमहंस मंडली जो एक और ग्रुप था अब परमहंस मंडली में क्या इंटरेस्टिंग है क्या इंपॉर्टेंट है देखो परम हंस मंडली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इन्होंने सोशल जो प्रैक्टिस थे अभी तक क्या हो रहा था अभी तक बंगाल में और इस पूरे वेस्टर्न कोस्ट के एरिया में ठीक है कोंकणी रीजन में आप इल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बोल रहे थे लेकिन अब इल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने शुरू हुए और ये काम शुरू किसने किया ये काम शुरू किया परम हंस मंडली ने विच वॉज इनिशियली फाउंडेड बाई दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम अब पांडुरंग और दुर्गा राम ने क्या किया इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बताई ठीक है जिसका प्लान पूरा था हिंदू रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करना ठीक है और पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो और अच्छा ही है अब इसमें इन्होंने क्या किया आ, इसकी पूरी की पूरी आइडिया मानव धर्म सभा से रिलेटेड थी और इसमें ये करते क्या थे इसमें ये जान मोच के एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे जिस मीटिंग्स में जितने भी कास्ट रूल्स होते हैं वो उसको तोड़ते थे फॉर एग्जाम्पल जब खाना बन रहा है खाना खाने के लिए तो ये खास तौर पे ध्यान जाएगा कि कोई इंसान जो सो कॉल्ड लो कास्ट का हो वही खाना बनाएगा ठीक है सो जितनी भी कास्ट प्रिज्यूडिश हैं वो सारी की सारी तोड़ने का काम किसने किया सबसे पहले परमहंस मंडली ने अभी भी आप कई बार कई लीडर्स को देखते हैं कि वो जाते हैं किसी गांव में किसी आदमी के घर खाना खा के आते हैं तो अब तो आपको पता है कि लीडर्स क्यों जाते हैं खाना खा के आते हैं ठीक है वो वो पॉलिटिक्स है लेकिन ये पूरा एरिया शुरू कहां से हुआ था ये सारी चीजें शुरू हुई थी यहीं से परमहंस मंडली जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे कोशिश ये थी कि सोसाइटी को ये बात बताई जाए कि अगर मैंने किसी के यहां खाना खा लिया जो आपको सो कॉल्ड लो कास्ट का लग रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज इज जस्ट एज अ ह्यूमन बींग एज आई एम ठीक है सो so परमहंस मंडली की बात यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइन चलिए आगे देखते हैं सत्य समाज और ज्योतिबा फूले ठीक है सत्यशोधक समाज का ऑफिशियली इंग्लिश में अलग नाम होता है उसको कहते हैं ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी इट वॉज फाउंडेड इन एटीन सेवनटी थ्री बाई ज्योतिबा फूले ठीक है विद द लीडरशिप ऑफ द समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस नाउ अभी तक एक और चीज़ है सत्यशोधक समाज के पहले मैंने आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए ठीक है थीके? चाहे बंगाल में हो चाहे मराठा रीजन में हो आप एक चीज ऑब्जर्व अगर नहीं की होगी तो कर लीजिए कि इसमें जितने भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे देवर ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ देमर ब्राह्म द हाइस्ट मोर स्टाटा ऑफ द सोसाइटी इकोनॉमिकली एज वेल एज कास्ट वाइज नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें जिसकी लीडिंग अथॉरिटी कोई ऐसा इंसान था जो खुद एक बैकवर्ड क्लास से था सो so कॉल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे ज्योतिबा पुले ठीक है अब फूले ने क्या किया फूले ने इस ऑर्गे में बहुत सिंपल सी बात की इसके एम्स जो है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे बट उससे पहले आप इस चीज को थोड़ा सा चेरिश करें थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कि हाउ समाज इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द वेरी एसेंशियल फैक्ट दैट द लीडरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास एंड हैज नथिंग टू डू विद द हायर कास्ट फाइन गॉड इट चलो मेन एम वट वॉज द एम वट वॉज द रीजन क्या प्लान कर रहे थे क्या करना चाह रहे थे लोग सो मेन एम ऑफ द मूवमेंट व स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल फूले के कुछ काम है इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए एक तो गुलामगिरी करके राइटिंग थिंक की ठीक थी, है और सत्य धर्म ठीक है बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कॉमन मासज अलॉट गुलामगिरी के बारे में अंबेडकर ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं क्योंकि गुलामगिरी वाज़ द इनिशियल पॉइंट जिसमें गुलामगिरी के बारे में एक चीज बता दूं कि गुलामगिरी वाज़ नॉट अबाउट इंडियन सर्विंग द ब्रिटिशर्स इट वाज़ मोर अबाउट कास्ट डिफरेंसेस एंड द सो कॉल्ड ऑपरेस्ट क्लास बींग ऑपरेस्ड बाई द सुपीरियर क्लासेस ठीक है ना फूले यूज द सिंबल ऑफ राजबाली बाली राजा बाली एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ राम ठीक है सो so, ये देखो ये फूले ने क्या किया फूले इन चीजों को बहुत ढंग से समझ रहे थे कि दे इन द सोसाइटी देर आर कैरिक्रीचर्स सोसाइटी के सारे हीरोज जो थे नाइनटीन सेंचुरी में वो क्या थे माइथोलॉजिकल हीरोज थे और सारे के सारे हीरोज क्या थे माइथोलॉजिकल हीरोज थे एंड दे ऑल बिलोंग टू हायर कास्ट ओनली ठीक है फॉर एग्जाम्पल राम ठीक है राम वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली ही वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी महाभारत में एवरी वन वॉज फ्रॉम अ क्षत्रिय फैमिली वेन यू हैव अ कैरेक्टर ऑफ कर्ण एट हु अ अल्टीमेट वॉरियर देन ऑल्सो यू गेट टू नो कि फाइनली ही वॉज एक्चुअली बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली ओनली ब्रॉट ब्रॉटअप बाय ओके सो आपको क्या पता चलता है यहाँ पे कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑल द हीरोज ऑफ द मूवीज और जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनकी जितने भी हीरोज थे वो सारे के सारे हमेशा प्रोटेग्निस्ट ऑफ ऑल द स्टोरीज वर फ्रॉम द हायर कास्ट ओनली सो कॉल्ड हाई कास्ट यहां पे ज्योतिबा बुले ने कहा कि ये गलत है ऐसा होना नहीं चाहिए एंड दैट्स वाई ही टुक द कैरेक्टर राजा बाली राजा बाली हु हिमसेल्फ वॉज इन अ ग्रुप अगर पूरी माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखें तो ही वॉज फ्रॉम असुर क्लैन तो उन्होंने क्या किया उन्होंने राजा बाली को सिंपलाइज करने की कोशिश की इंस्टेड ऑफ राम ठीक है उन्होंने कहा भाई बाली के राज में क्या दिक्कत थी बाली के राज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हर बार आप राम राज्य की बात क्यों करते हैं बाली राज्य की बात करिए फूले एम्ड एट द कंप्लीट अबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालीज़ फूले बहुत बार इस बारे में डिटेल में समझाते हैं कि कास्ट सिस्टम और सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई थी एंड दिस इज वॉट ही वॉज टॉकिंग इन द नाइनटीन सेंचुरी इट सेल्फ ठीक है कास्ट सिस्टम और सोशो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज इंटर रिलेटेड हो गई थी इंडिया में हुआ क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्लास होती है क्लास और इंडिया की कास्ट आपस में मिल गई इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हाईटी के हिसाब से ऐसा हुआ पिछले 2000 सालों में कि जो सोशली गरीब हैं वो इकोनॉमिकली भी गरीब हो गए जो हैं वो इकोनॉमिकली भी गरीब हो गए एंड दिस इज बाउंड टू हैपन अगर आपके पास इकोनॉमिकली इकोनॉमिक केपेबिलिटी नहीं है तो ओवर द दीरियड यूल सोशली बाइकॉटेड और एटलीस्ट सोशली ऑपरेस्ड ठीक है सो उनके बारे में बात कर ली अब हम जब सावित्रीबाई बाई पुले के बारे में बात भी कर लेते हैं जो कि Uh, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सुसावित्री बाई बोले शी वॉज ऑल्सो हेल्पिंग हिम, एंड शी संस्कृतिक हिंदुइज्म, ठीक है जो ओवर संस्कृताइजेशन होता है चीजों का उसके वो अपोज में थी क्योंकि उनका खुद का कहना था कि संस्कृताइजेशन ऑफ थिंग्स बेसिकली ब्राह्मनिज्म की ओर आपको लेके जाती है जैसे कि देखो आपको हमेशा ये पता रहता है कि देर uh, अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देर यूज टू बी अ लैंग्वेज ऑफ द एलिट्स एंड लैंग्वेज ऑफ द मासेस ठीक है जब बुद्धिज्म को ग्रो करना था तो बुद्धिज्म के जितने भी प्रीचर्स थे उनको पता था कि भाई पाली में लोग बात करते हैं नॉर्मली गांव देहात हर जगह पे और संस्कृत इज द और बैक देन ब्राह्मी इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल लाइक ब्राह्मी इज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स और द नोबल्स तो दे वेंट फॉर पाली और इसलिए आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में मिलता है दूसरी तरफ आप यूरोप में देखो देर वॉज ऑल्सो अगेन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ठीक है एक तरफ आपके पास लैंग्वेज थी जो थी लैटिन ठीक है और दूसरी तरफ आपके पास एक लैंग्वेज थी जो थी जर्मेनिक या फिर ग्रीक या कुछ भी हो सकता है लेकिन लैटिन नहीं थी ठीक है सो ऑल द नोबिलिटी एंड एवरी वन स्पोक लैटिन राइट रोट इन लैटिन एंड नॉर्मल कॉमन पीपल रोट इन जर्मेनिक और वट एवर डिफरेंट लैंग्वेजेज ऑल ओवर यूरोप वे उसी तरीके से सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी आते आते ये बात क्लियर हो गई दैट संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द हाई क्लास पीपल द द कोर्ट लैंग्वेज काइंड ऑफ अ थिंग ओके एंड नॉर्मल पीपल हैव देयर डिफरेंट डायलेक्ट्स कभी वो दहलवी कभी वो दहलवी होती थी कभी आप उसको आ, हिंदुस्तानी कहते हैं कभी आप उसको किसी और चीज के साथ मिक्स करके अलग अलग एरियाज में कहते हैं ठीक है यहां पे इसलिए एक पूरी तरीके से मूवमेंट चलाया गया समझाने के लिए कि लैंग्वेज का जो इंपैक्ट है हिंदुज्म पे सांस्कृतिक हिंदुइज्म उसका इन्होंने अपोज किया क्योंकि सांस्कृतिक हिंदुइज्म में एसिमुलेशन के लिए जगह नहीं बची थी ठीक है कल्चरल एसिमुलेशन के लिए जगह नहीं बची थी तो उसके कारण इन लोगों ने सांस्कृतिक हिंदुइज्म को अपोज किया ठीक है दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस कम्युनिटीज एज अ क्लास अगेंस्ट दो यूज़ रिलीजन एंड द ब्लाइंड फेट ऑफ मासेस टू एक्सप्लॉय द मासेस फॉर पर्सनल मॉनिटरी गेन्स, ठीक है फूले फर्म बिलीवर इन जेंडर इक्वालिटी वॉज अ पाइनियर इन वुमेन एजुकेशन ऑल्सो एट द सेम टाइम सावित्री बाईन अ गर्ल्स स्कूल एंड आपको पता होना चाहिए कि पूना में ठीक है सावित्री बाई फूले कॉलेज अभी भी है ठीक है शी ऑल्सो विद्फा फूले ओनली दे ओपन होम फॉर विडोज इन एटीन फिफ्टी फोर फर्स्ट इंडियन रिफॉर्मर्स महात्मा ठीक है सो महात्मा गांधी एम के गांधी जिनको का टाइटल दिया गया था इंडिया में काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्ड इन दिलिमिनरी एग्जामिनेशन ठीक है सो ये चीज आप पता होनी चाहिए चलो अब हम अगली बात करेंगे गोपाल हरि देशमुख की जिनको आप लोकहितवादी भी कहते हैं ठीक है अच्छा सावित्री बाई फुले के बारे में आपको ये बता दूँ कि uh, जब हम uh, ज्योतिबा पुले की बात करते हैं तो ज्योतिबा पुले की डेथ हो गई थी ओके आई थिंक सो 1891 नाइनटी वन ऑफ समथिंग लाइक दैट एंड सावित्री बाई फूले वॉज कंटिन्यूइंग हर वर्क एंड इट वॉज इन द्लेग ऑफ एटीन नाइन्टी सेवन वैन सावित्री बाई फुले वॉज कैरिंग लाइक किसी uh, इंसान को पेशेंट को जिसको प्लेग हो गया था उसको अपनी पीठ पर लेके जा रही थी वैन अफेक्ट इनको भी हो गया शी वॉज ऑल्सो सर्फिंग सफरिंग फ्रॉम पे प्लेग एंड देन शी पास अबे ठीक है सो जैसे अभी आपके पास एक कोविड है कोविड नाइनटीन तो ऐसे ही एटीन नाइनटी सेवन का जो पूना में फेमस प्लेग था पुना प्लेग ठीक है वहां पर सावित्री बाई फुले की डेथ हुई थी ठीक है चलो गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे लोक हितवादी लोक हितवादी इज अ टाइटल गिवेन टू हिम गोपाल हरी देशमुख वॉज बॉर्न इन एटीन ट्वेंटी थ्री वॉज अल रिफॉर्मर अस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र अगेन गोपाल हरी देशमुख ऑब्वियसली ही बिलोंग टू अगेन सो कॉल्ड हायर कास्ट ठीक है एंड सो ही वॉज वेल टू डू इकोनॉमिकली एंड ही गॉट पोस्ट ऑफ अ जज इन ब्रिटिश राज इथ सेल्फ बट जज रहते हुए भी इन्होंने वीकली में प्रभाकर लिखना शुरू किया एक वीकली मैग्जीन वीकली न्यूज पेपर की तरह प्रभाकर ठीक है अब क्योंकि जज रहते हुए ये ऑफिशियल कैपेसिटी में तो लिख नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने एक पेन नेम ले लिया जिसका नाम था लोक हितवादी लोक हितवादी ओके पीपल लोगों के हित में बात करने वाला ओके okay? लोक हितवादी ही अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड सपोर्टेड सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी अगेन ही वॉज हायर क्लास सो कॉल्ड हायर कास्ट एंड

ठीक है ये बात अभी आप नहीं कह सकते आई कैन अश्योर यू बिकॉज मैं नहीं कह सकता यूट्यूब चैनल पे ठीक है देर आर इम्पैक्ट वन हैज बी वेरी क्लियर अबाउट ठीक है टू थिंग्स बैक इन ठीक है कि अगर रिलीजन में सेंशन रिलीजन uh, में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोशल चेंजेस करने की जगह नहीं है तो रिलीजन बदल दो दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड दैट से इज द मोस्ट बिगेस्ट थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट लोखेदादी फाइन या, या, प्रतिभा, 1897 के प्लेग के बाद ही शी डाइड ओके होल्ड एटीन नाइनटी सेवन एटीन नाइनटी एट द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद दैट्स वॉट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू गो थ्रू ओके अब देखो द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई द एज फॉर द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस ठीक है काली घाट अगर आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पर काली घाट है ठीक है उसी काली घाट के नाम पे कालीकत्ता गांव था और उसी कालीकत्ता गांव के ऊपर कलकत्ता का नाम पड़ा ठीक है सो काली घाट जो गांव है वहां पे काली घाट टेम्पल है और टेल, काली घाट टेम्पल वहां पे जो है वहां पे काली टेम्पल है जिसको अब कहा जाता है दक्षिणेश्वर टेम्पल ठीक है काली घाट पे दक्षिणेश्वर टेम्पल है जिसको आप काली टेम्पल कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स वहां के जो प्रीस थे वहां के जो हेड प्रीस थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस ठीक है राम प्रिंस परमहंस वॉज बॉर्न इन एटीन थर्टी सिक्स और ही पास अवे ठीक है सो राम कृष्ण परमहंस इज बिंगट हीन द हाइएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू हिंदूज अब कैसे हुआ हुआ कि नहीं हुआ हम इसके बारे में जज नहीं कर सकते हैं देर आर वेरियस बुक आप कभी फ्री हों तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है परमहंस शाउट सेल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अब एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि राशनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और एनलाइटमेंट की बातें हो रही हैं एक और तो बातें ये कही जा रही हैं कि अगर कर्मा थ्योरी पे कोई क्वेश्चन भी पूछ जाए तो कुछ मत बोलो कोई अगर ट्रांस माइग्रेशन यानी मा, आत्मा परमात्मा के बारे में बात करें तो कुछ मत बोलो क्योंकि सोसाइटी में आपको मटेरिस्टिक टेंजेबल चेंजेस लाने की जरूरत है दूसरी तरफ परमहंस आते हैं इसी सोसाइटी में एटीन फिफ्टीज एटीन सिक्सटीज में और कहते हैं कि नहीं अभी भी सेल्वेशन यानी मोक्ष पाने का एक सिंपल सा आइडिया है एक तरीका है मेडिटेट करो भक्ति मूवमेंट के जो आइडियाज हैं उनको फॉलो करो ठीक है राम का नाम जपो कृष्ण की आराधना करो और आपको सेल्वेशन मिल जाएगा ठीक है नाउ ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट भक्ति मूवमेंट वाला ये तरीका थोड़ा सा ईजी माना जाता है एज पर हिंदू आइडियाज क्योंकि ऑल यू हैव टू डू इज मेडिटेट और भी डिफिकल्ट तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी में ठीक है, रामकृष्ण के बारे में और आ, बहुत फेमस केस है ऐड बता के को, को करके बताया जाता है कि एक बार कोई स्टूडेंट था रामकृष्ण परमहंस का उसने कहा कि भाई गुरुजी जी ऐसा बोला होगा एम नॉट शोइंग मैं पैराफ्रेज तो नहीं कर सकता ओनली वर्बेटम तो नहीं बता सकता बट uh, उसने बोला कि गुरु जी भई uh, इतने दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा मेरे को कोई रेनन्सिएशन uh, की फीलिंग नहीं आ रही मेरे को कोई ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आओ तुम्हें एक्सपीरियंस कराते हैं स्पिरिचुअलिज्म और अभी तुम्हें भगवान से मिलाते हैं ठीक है तो रामकृष्ण परमहंस उसको लेक के पास लेके गए और उसे कहा कि पानी में देखो एंड वाइल ही वाज लुकिंग इनटू वाटर रामकृष्ण परमहंस ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में अंदर दबा दी डुबा दी पानी के अंदर दस सेकंड बीस सेकंड तीस सेकेंड उसके नाक में पानी गया होगा और आफ्टर अ वाइल ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई एंड ऐसा कहते हैं कि लास्ट ब्रेथ के पहले रामकृष्ण परमहंस ने उसको वापस पानी से खींच लिया एंड ही वॉज हुए तुम्हें भगवान के दर्शन हुए यू गॉट दैट हाइएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसने कहा नहीं मैं तो मरने वाला था तो उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट जब तुम मरने वाले थे तो वॉट वॉज द लास्ट थिंग विच वो यू वर थिंकिंग अबाउट सो so, एकदम लास्ट थिंग एंड ही सेट की द लास्ट थिंग आई वॉज थिंकिंग अबाउट द ब्रेथ आखिरी में वॉट द ओनली थिंग आई वॉज कंसिडर अबाउट दुनिया में और कुछ नहीं द ओनली थिंग आई वॉज कंसिडरिंग अबाउट द ब्रेथ की अगली सांस आ जाए मेरे अंदर आपको पानी में डूबने की जरूरत नहीं है कभी अगर आप रनिंग भी करते हो तो रनिंग करके देख लीजिएगा एक लेवल के बाद आपकी सारी आदतें सोच आपके थॉट्स साइडलाइन हो जाएंगे ऑल यू विल बी वरीड अबाउट इज कि सांस आती रहे ट हैपन्स दैट हैपन्स ऑल ह्यूमन बींग्स एट एंड ऑफ द डे इट्स द लाइफ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू अब इसके बाद ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने उससे बोला कि जब जितना तुम उस सांस के लिए परेशान थे कि अगली ब्रेथ आ जाए उससे ज्यादा अगर तुम भगवान को पाने की सोचोगे Then, तुमको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा बेसिकली कभी नहीं होगा ठीक है बट दैट्स द फेमस स्टोरी अबाउट रामकृष्ण परमहंस ओके हीम अपडिया एंड ही यूज टू यूज दिस ना टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रामकृष्ण परमहंस मूवमेंट वॉज टू इवॉल्व अ ग्रुप ऑफ मॉन्ग्स हुटेड टू लाइफ ऑफ रेनउंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ठीक है अब इनको बाकी जगहों पे भेजा जाएगा कि ये बाकी लोगों को यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता दे सके और रामकृष्ण लाइफ ऑफ रामकृष्ण जो है उसके आइडियाज प्रिंसिपल को दुनिया को समझा सके आइडिया ये था रामकृष्ण मूवमेंट का कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि एवरी वन केन नॉट मेडिटेट फॉर होल ऑफ हिज लाइफ एवरी वन कैन नॉट बिकम लाइक रामकृष्ण परमहंस बट देर आर सर्टन पिट्स एंड पोर्शन विच यू कैन ट्राई एंड लर्न फ्रॉम हिम ठीक है यही बिट्स और पोर्षण समझाने के लिए उन्होंने ये ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड मॉन्क्स बनाए और इसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्क थे वो थे स्वामी विवेकानंद ठीक है इसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्क थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद सो इन कंजंक्शन विद ले टू कैरी ऑन टीचिंग फिलेंथ्रॉपिक एंड चैरिटेबल वर्क लुकिंग अपॉन ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इनरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कलर एज वेरिटेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन रामचंद परमहस रामकृष्ण परमहंस की पूरी की पूरी आइडिया के पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर और किसी और चीज के यू हैव टू सर्व द होल ह्यूमन काइंड एंड दैट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी इन साइड द ह्यूमन बींग ठीक है अब रामकृष्ण परमहंस पासडेन एटी सिक्स एंड उसके बाद फिर उनके बिलीफ सेट को उनके आइडियाज को आगे लेके कौन गया वो आगे लेके गए नरेंद्र नाथ दत्ता Okay, नरेंद्र नाथ दत्त भी कहते हैं नाउ नरेंद्र नाथ दत्त इज द एक्चुअल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद विवेकानंद इज द नेम जब आप आ, मठ ज्वाइन करते हैं देन यू गेट द नेम ओके अ न्यू नेम बट नाथ दत्त वॉज इज एक्चुअल नेम ही वॉज बॉर्न इन एटीन हंड्रेड एंड सिक्स डायड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टू चालीस साल की एज में इनकी ही पास अवे बट उसके पहले ही एटीन नाइनटी थ्री का वो फेमस किस्सा है जब ये शिकागो गए थे ठीक है वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने और वहां पे उन्होंने स्पीच दी थी और उनकी स्पीच से बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस हुए थे ठीक है एंड दैट्स वॉज समथिंग विच गेव हिम द सपोर्ट दैट ही केम बैक इन एटीन नाइनटी सेवन ही फॉर्म द फेमस रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन ओके और उस मिशन के क्या पॉइंट्स थे वो अब आपको समझने पड़ेंगे सो स्वामी विवेकानंद स्प्रेड्स रामकृष्ण मैसेज एंड ट्राई टू रिक रिकनसाइलेट टू द नीड्स ऑफ द कंटेम्परे इंडियन सोसाइटी नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग रामकृष्ण परमहंस के जो आइडियाज थे उसको इन्होंने थोड़ा सा रैशनलाइज किया यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दट एवरीथिंग विच रामकृष्ण परमहंस सेड इज नॉट वॉट विवेकानंद प्रोपोकेटेड ठीक है उनको उन्होंने रिकनसाइल किया जो ट्वेंटी स्टार्टिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी की डिमांड थी ही इमर्ज एज दीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म नया न्यू हिंदुज्म न्यू हिंदुज्म के सबसे बड़े प्रीचर के तौर पर विवेकानंद को माना जाता है His mission was to bridge the gulf between Parmat uh, and Vyavhar. That is the service and behavior. Okay. The worry idea was he was trying to teach people that every person should try to serve the people, the society by doing Parmath. Okay, that is physical labor and should maintain a behavior, social behavior. बाई मेक बाई है व्यवहार सो आप सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल सेंस में काम करिए परमार्थ करिए और व्यवहार मतलब बिहेवियर सो परमार्थ और व्यवहार की डेफिनेशन समझ लीजिए प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या बोली उन्होंने स्पिरिचुअल टर्म्स में नहीं कहना है ठीक है मेडिटेट कर रहे हैं बारह घंटे से वो व्यवहार नहीं हो सकता द वे यू बिहेव द वे यू इंटरैक्ट विद पीपल इन द सोसाइटी दैट विल बी कंसिडर्ड व्यवहार एज पर विवेकानंद सिमिलरली परमार्थ में यहीं से डेफिनेशन आती है ठीक है बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ ये सारी चीजें मेंटेन करने की बात की स्वामी विवेकानंद ने ठीक है फंडामेंटल वननेस ऑफ द गॉड जो है ठीक है मोनोथिज्म बहुत ज्यादा तो डिफाइन नहीं की इन्होंने लेकिन इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि द सुप्रीम बीइंग इज वन चाहे आपके रूट्स कुछ भी हो कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो दैट इज ऑल करेक्ट बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वन सेट फॉर आर ओन मदरलैंड अंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज एंड इस्लाम इज द ओनली होप ओके स्वामी विवेकानंद ने कभी यह नहीं कहा कि यू हैव टू फॉलो ओनली subcontinent में रहने वाले दो groups हैं बड़े Hinduism और Islam and इन दोनों को साथ में ही रहना है that is the only way forward that's the only hope ठीक है all those people जिन्होंने एक isolationist tendency को follow किया और इन्होंने एक्सप्लेन इन्हों किया जाता है इंग्लिश में ऑल द हिंदूज नॉट अप्रोच दैट दोस कास्ट सिस्टम में द ब्राह्मण्स एंड एंड द द हैव द आइडिया दैट नो वन शुड टच यू कोई आपको छुए ना कोई आपको टच ना करे और अगर आप गंदे हो जाएंगे और आप, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उसको इन्होंने एकदम से ही क्रिटिसाइज्ड इट ही ट कि भाई ये आइसोलेशनिस्ट अप्रोच है इस तरीके से कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती ठीक है uh, एक पूरे का पूरा सिस्टम है ठीक है ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच जो कहीं ना कहीं नाइनटीन सेंचुरी 19, में आप देखोगे कि रिलीजियस जो एक्टिविटीज थी उससे सपोर्ट मिल जाता था उनको द रिच केप्ट ऑन ऑपरेसिंग द पुअर और फिर लोगों से बोला जाता था, था कि सर्व पीपल और उसमें आपको uh, ज्ञान की प्राप्ति होगी और समथिंग लाइक दैट ठीक है सो परमार्थ की सर्विस और व्हेन पुअर सर्व्स द रिच इन दोनों में अंतर है और ये विवेकानंद ने डिफाइन किया है ठीक है परमार्थ जब आप करते हैं तो आप सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं ओके ऑन द अदर हैंड अगर कोई रिच आदमी किसी पुअर आदमी को एक्सप्लॉयड कर रहा हो तो उसको परमार्थ में मत काउंट करें बिकॉज देयर हैव बीन वेरी मेनी टेक्स्ट और वेरी मेनी थिंग्स जहां पे ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने ये कह दिया कि भाई अगर कोई Uh, uh, अगर कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा साफ कर रहा है ओके सो दैट पर्सन इज डूइंग अ परमार्थ दैट इज नॉट द परमाथ विद स्वामी विवेकानंद एक्सप्लेन स्वामी वर्मा, विवेकानंद ने प्रमाथ की बात की थी फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ द सोसाइटी ठीक है ही फ्राउंड एट द रिलीजियस टेसेड अप्रूवल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच ठीक है सो so कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पता होनी चाहिए दयानंद विवेकानंद बोधिस्टिंग सिस्टम ऑफ कास्ट इन नो अनसर्टन टर्म ठीक है क्योंकि okay? uh, अब यहां पर देखो दयानंद सरस्वती जो है okay? uh, उन्होंने चतुर्वर्ण परंपरा को एक तरीके से मेंटेन करने के पीछे वर्च्यूज का रीजन दिया दयानंद सरस्वती ने क्या कहा डिजर्व टू बी

वॉज द नीड फॉर अ हेल्थी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट और the spiritualism ऑफ the ईस्ट ठीक है इन्होंने क्या कहा वेस्ट का मटेरियलिज्म और ईस्ट की स्पिरिचुअलिज्म uh, अगर ये दोनों चीजें आप अपनी लाइफ में मिला लीजिए तो यू विल अ गुड लाइफ फाइन

ऑन प्रेजेंट सोशल गवर्नेंस नाउ अंडरस्टैंड नाइनटीन सेंचुरी का जो इंडियन सोशल मूवमेंट था बेस्ड ऑन पीपल लाइक विवेकानंद पीपल लाइक रनाडे ओके इट वॉज ऑल टॉकिंग एंड डिस्कसिंग इशूज लाइक कैसे रिलीजन के नाम पर जो सोशल डिफिकल्टीज हैं वो खत्म की जाए ठीक है अगर आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के रूल्स और नॉर्म्स को देखोगे लीगल हाईलाइट जो हैं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के तो ऑल दोज थिंग्स विच दीज पीपल फॉट अगेंस्ट की ये चीज खत्म करनी है उसके लिए आपको एक लीगल सेंसेज लीगल सेंसिबिलिटीज अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन जो लॉज हैं उसमें आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगी ठीक है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं इनका कहना है कि इम्पैक्ट क्या है इसका सोशल गवर्नेंस पे तो सोशल गवर्नेंस से पहला इम्पैक्ट तो ये है कि इट टुक समाइम लेकिन वो चीज़ें जो कि नाइनटीन सेंचुरी में रह रहा रह रह इंसान खराब नहीं मानता था ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में रह रहा रह रह इंसान वो चीज़ एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ें इंडियन सोसाइटी में गलत थी फॉर एक्ज़ाम्पल एटीन फिफ्टी सेवन का जब रिवोल्ट हुआ उस रिवोल्ट में हमेशा आपको बताया जाता है कि अ वेरी बिग रीज़न वॉज इंडियंस को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बिल्कुल वो हो भी रहे थे लेकिन वो चीजें हमारी सोसाइटी में गलत थी वो क्या था वो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स वो अ विडो की बात कर रहे थे गुड थिंग लेकिन इंडियन सोसाइटी ने ये ये कहा कि नहीं चीजें गलत हैं वो चीज़ें हैं जिस पे नाइनटीन सेंचुरी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने काम किया और उसका इंपैक्ट आपको ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में दिखता है कि हाँ ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट वर्ल्ड इंडियन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ किसी भी लेडी को उसके स्पाउस uh, की डेथ के बाद जलाना गलत है अगर आप ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज गेट टेस्टेड फाइन और दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट नाइंटी नाइनटी नहीं तो एटलीस्ट एटी परसेंट लोग अब ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है दैट्स रियालिटी बट या एटी परसेंट लोग ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो शी शुड बी रीमैरिड ओके सो so, क्या हुआ धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द स्टैंड दीज पीपल टुक इन नाइनटीन सेंचुरी इट टुक अबाउट हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स बट नाउ एट लीस्ट सोसाइटी इज टॉकिंग अबाउट चेंजिंग दीज थिंग्स दे हैव ऑलरेडी बीन टैकल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडियन पीनल कोड में इन सी आर पी सी में इन सारी चीजों के अगेंस्ट पॉइंटर्स लिख दिए गए हैं लेकिन सोसाइटी इज स्टिल चेंजिंग और इन्ही लोगों का काम था जिसके कारण ये चेंजेस आ पाएं तो अगर आप इंपैक्ट की बात करते हैं तो इस तरीके से आप आंसर बिल्ड कर सकते हैं फाइन चलो ओके अब आगे बढ़ते हैं uh, दयानंद सरस्वती बात कर ली ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया हम आगे बात करेंगे अंडरस्टैंडेबली द मोस्ट विरुलेंट ऑपोजिशन टू कास्ट केम फ्रॉम लोअर कास्ट मूवमेंट ज्योतिबा बुले एंड नारायण गुरु ठीक है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था श्री नारायण गुरु परिपालन योगम व टू अनर रिलेंटिंग क्रिटिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसिस याद रखें कि अभी भी ज्योति बाज दो ओनली पर्सन जो कह रहे थे कि नहीं कास्ट सिस्टम को खत्म ही करना पड़ेगा उसमें सोल्यूशन कोई नहीं है कि इसको ठीक कर देंगे हायर एर खत्म कर देंगे ठीक है परमिबिलिटी बना देंगे ये सब सब्जेक्टिव बातें हैं ये पॉसिबल नहीं था ठीक है अ कन्वर्जेशन बिटवीन गांधी जी एंड नारायण गुरु ऑफ श्री श्री नारायण गुरु परिपालम योगम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज गांधी इन एन ऑब्वियस रेफरेंस लेट मी रीड फ्रॉम द स्ट्रिंग इन एन ऑब्वियस रेफरेंस टू चतुर्वर्ण एंड द इनहेरेंट डिफरेंस इन अ क्वालिटी बिटवीन मैन एंड मैन ऑब्जर्व दैट ऑल लीव ऑफ द सेम ट्रीज आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड टेक्स्चर सो गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक बार चतुर्वर्ण परंपरा को समझाते हुए ये कहा कि वो बात बिल्कुल सही है कि शूद्र का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण का बच्चा शूद्र बन सकता है लेकिन गांधी जी ने कहा कि जैसे एक पेड़ की सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होती हैं उसी तरीके से सारे लोग भी एक जैसे नहीं हो सकते लेकिन इसका जवाब दिया नारायण गुरु ने जब उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन अगर आप हर पत्ती को उठाएं और उस पत्ती का जूस निकालें सो हर पत्ती का जूस टेस्ट में सेम होगा ठीक है बेसिकली वॉट वट द डिफरेंस नारायण गुरु वॉज फोकसिंग ऑन द एसेंस ऑफ अ पर्सन दट एट द एंड ऑफ द डे एवरी पर्सन इज इक्वल इन असेंस ऑन द अदर हैंड महात्मा गांधी फादर ऑफ आर नेशन वॉज गोइंग फॉर अ मोस्ट सुपरफिशियल डिफिनीशन वेन ही सेड कि नहीं लेकिन पेड़ों के पत्ते अलग अलग होते हैं इसलिए उनमें डिफरेंस किया जा सकता है ठीक है सो so यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब आप यहाँ पे कंपेरिजन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एसेंस की बात कौन कर रहा है नारायण गुरु डिस्कशन uh, कौन पढ़ रहा है महात्मा गांधी ठीक है आगे जाके आप देखेंगे बट इराडिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी फेस बाई द ऑपरेस्ट कम्युनिटीज ठीक है 1923 से वो चीजें शुरू होंगी जो नाइनटीन थर्टी टू के बाद तक पूना पैक्ट के बाद तक जाएंगी फाइन चलो लाइफ एज इट इज प्रॉब्लम सॉल्व हुई अभी भी क्वेरी है बताएं चलो अब देखते हैं द कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल रिप्रेजेंटेड बाय द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इवॉल्विंग नेशनल कॉन्शियसनेस दिस वाज सो बिकॉज इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट इनिशियल इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ब्रेक ठीक है न्यू मैन न्यू होम्स एंड अ न्यू सोसाइटी दीज आर दॉट्स जो यहां पे नारायण गुरु ने कहे नारायण गुरु श्री परिपालम योगम के जो थे उन्होंने कहा न्यू मैन न्यू होम एंड न्यू सोसाइटी ओके और जो श्री परिपालम योगम के गुरु थे श्री नारायण गुरु उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आगे जाके अथीस्ट बिहेवियर को फॉलो करना शुरू किया उन्होंने कहा कि न्यू मैन न्यू होम और नो सोसाइटी को यूज करके उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड ठीक है द आइडिया इज न्यू मैन न्यू होम एंड नो गॉड ठीक है तो वो पूरे का पूरा आइडिया भी इसके बाद डेवलप होगा ठीक है जब आप इतने ज्यादा परेशान हो जाओगे रिलीजन और कास्ट के सिस्टम से ट्वेंटी आते आते सो okay? so, वो एक पॉइंट है जो आपको जानना होगा इसके बाद हमें शुरू करना है कांग्रेस में क्या हुआ क्योंकि 1885 की पूरी स्टोरी अब हम शुरू करेंगे सो so, अगर अभी तक आपकी क्लास को में कोई क्वेरी हो तो अभी हम उससे पूछ लेन विल एंड द्लास नाउ and uh, then we'll start from here tomorrow evening 5:30 okay ओके uh, कोई और query हो हमें यहां पर शुरू करेंगे हम अगली क्लास foundation of the congress the myth and the reality क्या हुआ था क्या मतलब था कैसे party बनी party नहीं थी वो वो तो एक congregation था उसके बाद वो पार्टी कब बनी क्या हुआ यहां से फिर अब आप, आपको एक्चुअली वो मसाला मिलेगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे ठीक है या सो so, अभी तक चीजें समझ में आ गई हो सो मेक श्योर यू लाइक द स्ट्रीम बिफोर लिविंग द क्लास और आपकी जो क्वेरीज हो वो मुझसे पूछ लें एंड देन विल एंड द सेशन आफ्टर दैट ये फ्री क्लासेस हैं जो आपको पता है कि आपको मिल जाएंगी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सारी फ्री क्लासेस आपके लिए हैं अटेंड कर लीजिए इसको इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फाइन चलो और कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो आपके तो यू कैन आस्क मी आई एम हेव फॉर अनदर वन मिनट और टू मिनट एज लॉन्ग एज क्वेरीज आर देर एंड देन विल एंड द सेशन चलो थैंक्स रूपाली फॉर अटेंडिंग द होल सेशन कोई और क्वेरी किसी को चलो कोई क्वेरी नहीं है ओके श्योर देन विल एंड द क्लास थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग लेट्स कैच अप टुमारो इवनिंग फाइव थर्टी नदर थिंग इंटरनेशनल रिलेशन क्लास हैज बीन रीशेड्यूल फॉर मॉर्निंग फाइव ए एम ठीक है सो वो रिकॉर्डेड सेशन होगा वो मॉर्निंग फाइव ए एम पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा सो यू कैन वॉच इट द होल डे वन एवर यू आर फ्री ओके द डीना क्लासेज द डेली इंटरनेशनल न्यूज एनालिस विल नाउडकास्टेड एट फाइव ए एम इन द मॉर्निंग ठीक है सो मेक श्योर टू वॉच डैट ऑल्सो या दीक्षा द क्लासेज आर डेली कंडक्टेड या फाइव थर्टी ओके श्योर थैंक यू थैंक यू एवरी वन फॉन्ग द सेशन दैट विल बी ऑल ओके थैंक यू Slides you will get from